हेलो, गुड इवनिंग। आई थिंक हम लोग जुड़ रहे हैं। वन सेकेंड। और ये है हमारी लूडो सीरीज, दैट इज ल्यूसेंट विद डॉक्टर डॉक्टर अमित। और इसमें अपन डिस्कस करते हैं ल्यूसेंट, पेज बाय पेज अपन इसको करेंगे। और ये है हमारी लूडो सीरीज दैट ठीक है, आवाज चल रही है, धीरे धीरे आ जाओ, जुड़ जाओ। गुड इवनिंग जय भगवान पलक। हेलो, ठीक है। इसमें अपन डिस्कस कर रहे हैं लूडो पेज बाय पेज, क्योंकि ये फैक्चुअल है और सबसे इम्पोर्टेंट है। टाइमिंग इसका अपना रहता है 8:30। फोकस क्या रहेगा? हरियाणा प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना। हाउ टू प्रोसीड, आप बुक लेके बैठिए, उसमें मार्क करिए, पेन नोटबुक लेके बैठो, नोट्स बनाओ, सारे फैक्ट लर्न करने हैं। ट्रिक के साथ आपका पार्टिसिपेशन कैसा रहेगा, आंसर करने हैं क्वेश्चन और शेयर करने हैं ट्रिक्स इफ यू हैव एनी। तो ये अपना ओवरऑल प्रोसीजर है। एंड अबाउट मी, ये जो देखना चाहता है वो रोक के देख लेना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता है। एकेडमी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिलेगा। और अगर आप नए हैं चैनल पे तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल डॉक्टर अमित एकेडमी, और हमारे साथ प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। स्टेट्स की या यूपीएससी की कोई भी कर रहे हैं तो वी विल हेल्प यू, ठीक है। नया बैच SCS 8 मार्च। ऑल डिटेल्स ऑन द अकेडमी ऐप, डाउनलोड द अकेडमी ऐप एंड ज्वाइन अस। चलो अब हम शुरू करते हैं अपनी ल्यूसेंट। निशा गुड इवनिंग, दीक्षा गुड इवनिंग, शशि गुड इवनिंग, श्वेता गुड इवनिंग, ठीक है। चलो तब तक सब लोग जुड़ेंगे, इन बिटवीन हम इसमें अपना कल का रिवीजन शुरू कर देते हैं, ठीक है? करें शुरू? ठीक है। ओके, देखो कल अपन ने क्या देखा था, हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हड़प्पन में जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट थी, भवन शिमार गुड इवनिंग प्रवेश, ठीक है। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन 2500 से 1750, मैंने बताया था, 2500 इधर, 250 इधर, ये हो गया। ये ओल्डेस्ट अपना सिविलाइजेशन है, यहाँ से आया था। 80% कंसंट्रेशन सरस्वती के आसपास देखने को मिली थी। सरस्वती वन तो इम्पोर्टेंट, इसमें मार्क नहीं करेंगे। यहाँ पे फिर जॉन मार्शल आपके स्कॉलर थे, ठीक है। और कार्बन 14 की डेटिंग से ये लोग करते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड देन इसमें अब नॉर्थ ईस्ट साउथ, सारी मैंने बताई थी कि सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। तो नॉर्थ में रोपड़ और मांडा अपन ने देखा था, और साउथ में आपका दैमाबाद, भतर, आलमगीरपुर अल्ला है ईस्ट में, और सुत के गेंदोर आपका है वेस्ट में, ठीक है। सुमन गुड इवनिंग, ये अपने थे। देन हमने जैसे जो भी कहाँ कहाँ पे ये साइट थी, हड़प्पा तो मैंने क्या बताया था, दया दया करो राम, रवि हार गया, ठीक है, रावी रिवर पे हड़प्पा, और ये ऐसे हो गया। दारो, चानो दारो और ये दारो दोनों के दोनों इंडस रिवर पे हैं, पाकिस्तान, ये सब हो जाएंगे। कालीबंगन, काली ब्लैक कलर की जो चूड़ियां हैं वो अपने को देखने को मिली थी, और ये कहाँ थी, अपने राजस्थान में, ठीक है। बनवाली, बनवाली में क्या था, फतेहाबाद, कुनाल, कुनाल बनवाली, नहीं बनवाली, इस टाइप से, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है, कुनाल फतेहाबाद, ये दोनों ध्यान रखेंगे। धोलावीरा कच्छ में थी। हड़प्पा में 6 ग्रेनरीज आपकी मिल रही थी। मोहनजोदारो में सब कुछ ग्रेट ग्रेट अपना था, ग्रेट ग्रेनरी, ग्रेट बाथ, प्रोटोशिवा, डेमिगोड, ये अपन ने देखी थी। ब्रिक क्लेन्स, चानोदारो, चूना था, चूने से मैंने आपको याद करवाया था, सीटाडेल। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या था, वो चूने के पत्थर थे, लिपस्टिक, मेटल, ये सब बीट वीट, ठीक है। लोथल, लोथल में डॉकयार्ड था अपना, ठीक है, और बाकी ठीक है। कालीबंगा मैंने देख लिया, बनवाली हरियाणा वाली होगी, धोलावीरा, और अपना दैमाबाद सबसे सदर्न मोस्ट। फिर यहाँ पे जो कॉमन फीचर थे वो तो यही थे कि भाई प्लानिंग बहुत अच्छी थी, बर्न्ट ब्रेक मिले हैं, ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था, फोर्टिफाइड है, मेन क्रॉप व्हीट बार्ले, ठीक है। अदर में ये आई गई थी, एनिमल्स सारे के सारे ये रखते थे। कौन सा एनिमल नहीं रखते थे, विच एनिमल वॉज नॉट फाउंड, ये आपको आंसर करना है सवाल में, कल अपन ने देखे थे सारे के सारे। अमित, कल्पना, मीनाक्षी गुड इवनिंग, एंड जूनियर साइंटिस्ट विमान, रजनी, जांगड़ा, जेम्स बॉन्ड, राम राम, साइको किलर रह गया आज। मीनाक्षी जी काफी टाइम बाद ज्वाइन कर रही हैं, आई थिंक जेम्स बॉन्ड, ठीक, लॉयन, लॉयन इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो ये आगे आ ही गया, लॉयन नहीं था। फिर इनका जो ट्रेड चलता था, मेसोपोटामिया, सुमेरिया, सबके साथ इनका ट्रेड चल रहा है, इसको अपन इराक, सुमेरिया इराक था, बहराइन, ये अपना चल रहा है। इंपोर्ट्स में सबका सब ले रहे हैं, ये गोल्ड सिल्वर और ये सब कहाँ कहाँ से ले रहे हैं वो अपन ने देख लिया था, कोलार और ये सब। लापिस लुजाली अपने को याद रखना है, सफायर वगैरह, अफगानिस्तान,
गुड इवनिंग यशिका। ठीक है, एक्सपोर्ट्स हर जगह ये कर ही रहे हैं, बीड्स वगैरह, शेल्स। ठीक है चलो, सुमेरियन में, हाँ मेलवा, मेलवा याद रखना है, इंडस रीजन को मेलवा के नाम से डाला गया था, तो ये ध्यान रखना। देखो एक कंफ्यूजन जो रहता है कि सारी की सारी लुसेंट पढ़नी है, नहीं सारी की सारी नहीं पढ़नी, मैं आपको सारी की सारी, हम पेज बाय पेज चल रहे हैं, मैं मिस नहीं कर रहा कुछ पढ़ाना, बट जहां पे क्यू मार्क किया है अपन ने, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बनाई हैं, उनके ही नोट्स बनाने हैं, वही याद करने हैं। दोबारा जब रिवाइज कर रहे हो क्रोनोलॉजिकली तो उसी हिसाब से याद करना, नोट्स बना लो साथ साथ या अगले रिवीजन में, बट क्यू जहां पे मैंने मार्क करवाया है सिर्फ और सिर्फ वो। समझ में आ गई बात? ठीक है समझ में आ गई, तो यस कमेंट करना है जल्दी से। साइको किलर अंजलि, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ लूसी का टेस्ट सीरीज अपन इसकी डेफिनेटली रखेंगे, ये चीज मैंने सोच ली थी। लूसेंट अपन सब लोग साथ कर रहे हैं, तो इसकी टेस्ट सीरीज मैं बना रहा हूँ, वन बाय वन अपन डेफिनेटली इसको करेंगे। जैसे ही अपना एंशियंट खत्म होगा, मिडिवल खत्म होगा, इसकी भी एक टेस्ट सीरीज अपन रखेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। यूवी का जितना टाइम मिलता है बना लो, नहीं मिलता है मत बनाओ, बट ट्राई करो। ठीक है ओके। हाँ दिलमुम, फिर अपन ने क्या क्या देखा था, दिलमुम, मकरान, सूशा, सिंडोन। सिंडोन ये क्या था, कॉटन को बोलते थे। ठीक है, लोथल में आपका पोर्ट है, मातृ शक्ति, पशुपति महादेव अपन ने देखा था, शिव शक्ति, ठीक है दोनों की वर्षिप हो रही थी, हम्ड बुल आपका था, कालीबंगन, तो ये हुई गई। अब ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट थी, ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट है अपनी हड़प्पन की स्क्रिप्ट, ओल्डेस्ट डेसिफर्ड स्क्रिप्ट है ब्राह्मी स्क्रिप्ट, एंड मोस्ट है ये। तो ये क्वेश्चन है, कल वाले मेरे डिलीट हो गए, मैंने इसको वो किया था, तो उस हिसाब से आपको नहीं दिखेंगे, बट आपने मार्क कर रखा होगा उसमें, आप साथ साथ मार्क करते हुए चलो। देखो जिसको जो चीज कंफर्टेबल लगती है आप उसी में करो, हर एक के लिए अलग स्ट्रेटेजी रहेगी, देर इज नो वन स्ट्रेटेजी फॉर एवरीवन। जिसको नोट्स में कंफर्टेबल लगता है कंफर्टेबल रहो, जिसको डायरेक्ट लर्निंग वो डायरेक्ट लर्निंग, जिसको वीडियोस में मजा आता है वो वीडियो से देखो, इट्स ऑल अप टू यू। ठीक है, स्टेलाइट, स्वास्तिक, स्वास्तिक का सिंबल अपना मिला था, फिर इंदिरा जो आपका फोर्ट वाला था, तो ये सबको सबके ऐसे तैसे कर ही देता था। ठीक है, फिर हरिओम्पा मेंशन था हरिप्पा के लिए, ठीक है मेसोपोटामिया, और ये इसकी कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन थी। उसके बाद अपन आए थे वैदिक कल्चर पे, 1500 से लेके 600 BC तक। डेसिफर्ड, डेसिफर्ड मतलब युविका ये होता है कि जिसको देख के अपन डिकोड कर चुके हो, बेसिकली डिकोडिंग से रिलेटेड होता है। अच्छा वो आपने पूछ लिया, ठीक है इस टाइप के डाउट पूछ लेने चाहिए। ठीक है कई बार समझ में नहीं आता, हम रूटीन में चलते रहते हैं, मतलब डिकोडेड, और हड़प्पन वाली जो है अपनी जो पिक्टोरल है वो डिकोड हुई नहीं है अभी तक, तो ब्रह्मी है वो डेसिफर्ड है। अब यहाँ पे अलग अलग थ्योरीज चल रही है, देखो मैक्स मूलर बोल रहा था कि सेंटर से, ठीक है मैक्स मूलर मध्य से, मैंने बताया था मध्य मूलर, तो मैक्स मूलर सेंटर से बांग गंगाधर तिलक ने कहा था कि भाई आर्कटिक और यूरोप वाले रीजन से आए हैं। बोजक खाई इंस्क्रिप्शन अपने देखा था, एशिया माइनर टर्की से था, अलग अलग अपने इंदिरा, वरुण, मित्र, नयस्त, ये सारे के सारे अपने गोड चल रहे हैं। ठीक है, सप्त सिंधु, सात नदियां यहाँ पे हैं। वैदिक लिटरेचर में मैंने बताया था साबु याद रखेंगे, साबु SABU, A और B को ऊपर नीचे, तो पहले हैं संहितास, फिर हैं B फॉर ब्रह्मास, अरंकास, उपनिषद, तो ये अपने अलग अलग वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इसमें तीनों के कॉम्बिनेशन के अपने अपन बोल रहे थे वेदात्रयी। ठीक है, और ऋग्वेद में बहुत सारे वर्सेस अपने को मिल रहे हैं, एंड फर्स्ट और टेंथ जो है वो सबसे लास्ट में ऐड किया गया था, पुरुषा शुक्ताहाइम, इसमें क्या मिला था कि भाई चार अलग अलग हिस्सों से आपने कास्ट सिस्टम, ये सवाल बनता है सीधा सीधा कि किस में उसका जिक्र किया गया है, पुरुषा शुक्ताहाइम। यजुर्वेद ठीक है, यजुर्वेद में उसके रिलेटेड ही सेक्रीफाइसेस वगैरह रहेंगे, शाम वेद और उसी से रिलेटेड ही बातें रहेंगी कि भाई क्या कैसे उनको हाइम्स को रिसाइट करना है, और यही अथर्ववेद को पहले माना ही नहीं जाता था बहुत लंबे टाइम तक, चलो कोई नहीं। ब्रह्मनाज ये अपने इसके बाद थे, इनकी एक्सप्लेनेशंस जो भी आपके वेद थे उसके बाद ब्रह्मनाज, तो अलग अलग वेदों से अलग अलग ब्रह्मनाज आपके अटैच्ड हैं, बहुत सारे नाम है, कोई ध्यान रखने वाली चीज नहीं है, जो जो इंपॉर्टेंट रहेंगे आगे आएंगे मैं सारे के सारे बता दूंगा, जो इंपॉर्टेंट ध्यान रखने हैं जो कल बताए थे वो ध्यान रखना है। अरण्यास या अरण्यका ये क्या होते थे, फॉरेस्ट, क्योंकि फॉरेस्ट में जाके इनको लिखते थे, उपनिषद कम सिट नियर मी,
तो ये भी आता है। वेदांत किसके लिए बोला जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये भी उपनिषद। तो ये दोनों ध्यान रखने हैं। बृहदंक का ये मैंने बताया था, इट इज द ओल्डेस्ट, याद रखना, एक तो पुराना। अब देखो एक आएगा कि बृहदंक का किसके बारे में बात करता है। आज वाले लेक्चर में मैं इसको बताऊंगा कि भाई ये किसके बारे में बात कर रहा है। उससे पहले ये बता, जैसे बृहदंक का मैं ऐसे कह रहा था ना कि कुछ तो हिलता हुआ है ओरिजिन और इससे रिलेटेड। ये बेसिकली क्या है कि ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल से रिलेटेड। तो जैसे बृहदंक एकदम से हिलती 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 आत्मा चली गई, तो जैसे वाइब्रेशन हुई और आत्मा हिलती हिलती, यानी ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल्स की बात करी गई है। ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल्स, इसको आगे देखेंगे। वैसे लिखा हुआ है, इसका जर्मन में ट्रांसलेशन हुआ था, और जिस बुक में इसका ट्रांसलेशन हुआ था उसको फिर नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, फिर अपना लिटरेचर में बहुत सारे वेदांग, पुराण, उपनिषद, ये सब हैं। छह वेदांग मैंने आपको याद कराए थे, ठीक है, छह वेदांग याद कराए थे, छह दर्शन याद कराए थे। इन दोनों टेबल को अभी एक साथ देखते हैं। देखो फोन पे लगी हुई है, कौन लगी हुई है, शिक्षा। ठीक है, रिचुअल्स में अपन ने क्या देखा था, कलप सूत्र, सूत्र क्या होते हैं, रिचुअल। व्याकरण क्या होती है, ग्रामर। निरुक्ता, निरुक्ता एटिमोलॉजी, ठीक है, जो उसका ओरिजिन रहेगा वो। चांद को नापना था तो मैट्रिक, ज्योतिष क्या है, एस्ट्रोनॉमी, ये अपनी ट्रिक थी। अब हम आए थे कि भाई ये अलग अलग प्रेगुप्ता, प्रेगुप्ता पीरियड की थी, यजुर्वल्क्य का, नारद, ठीक है यार, ठीक है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। हाँ इंपॉर्टेंट अपनी ये टेबल्स हैं। ठीक है, उससे पहले अपन क्या देखते हैं, रामायण किसने लिखी, वाल्मीकि ने। आदि काव्य ज्यादा सबसे ओल्डेस्ट एपिक, महाभारत, वेदव्यास, 1 लाख श्लोक। भगवत गीता जो है एक्सट्रैक्ट करी गई थी फ्रॉम भीष्म पर्वाण, ये ध्यान रखना है। और शांति पर्वाण इज द लार्जेस्ट, ये दोनों सवाल मैंने आपको बताए थे। पुराण मतलब क्या होता है, ओल्ड, 18 आपके पुराण है, ये हो गया, चलो ठीक है। मत्स्य पुराण सबसे पुराना है, मछली जल की रानी है, सबसे पुरानी है। जीवन सबसे पुराना कहां से निकला, मछली से। ये अपन था उपवेद, अब सबके अपने अपने उपवेद थे। आयुर्वेद ये बना था किससे याद रखना है, आयुर्वेदा मेडिसिन। गंधर्व म्यूजिक, धनु मतलब आर्चरी, शिल्प मतलब कला जो होती है क्राफ्ट, एंड अर्थर मतलब वेल्थ। ये तो हो ही गई, एक सीधा सीधा सवाल ये बनेगा कि ये किसका है, ठीक है, ये किसमें है, ये याद रह जाए तो और भी बढ़िया, नहीं रहे तो भी बढ़िया। अब हम आते हैं इसके बाद ऋग्वेदिक में, ये सारे के सारे जो अपने थे, ठीक है, ये भाई संख्या, संख्या किनकी ज्यादा है, बंदरों की, कपिल। योग दर्शन, योग दर्शन में पतंजलि, ये अपन को पता ही है, ये अपने बाबा रामदेव जी हैं। न्याय कौन कर रहा था, बुद्ध यानी गौतम। वैशेषिका क्या सीखा, कण कण से बना है, तो कण कण की थ्योरी किसने दी, कन्नड़ ने। पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, पूर्व में जाम रखा है और उत्तर में क्या है, भद्र, तो भद्र जाम रखा हुआ है, ये हो गए। अर्ली वैदिक, लेटर वैदिक, अर्ली वैदिक अपन ने कल ही देखा था, हेमावंत, मुंजावंत, हिंदुकुश, ठीक है, नाड़ी सुक्ता, इसमें रिवर्स की बात करेगी, अलग अलग रिवर, अलग अलग उनके नाम। इसमें अपन ने मैंने इंपॉर्टेंट बताया, जैसे पुरुषिनी याद रख लेना, रावी का सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, बाकी जो जो अपन ने कल देखे थे वो इस हिसाब से। 10 राजन, 10 लोगों के बीच में वार हुई थी, इसमें इंपॉर्टेंट था सुदास एंड द, यही कौन किंग था, भरत किंग था। पॉलिटी में यहाँ पे ग्राम, विश, जन, राष्ट्र, ये सारी बहुत सारी चीज होती थी, पुरोहित होता था, सेनानी होते थे। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट थी कि भाई ग्रामीणी, कुलप, विशुपति, गोपति या फिर राजन जो सबसे ज्यादा हेड था, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अपन सारे के सारे यहाँ पे आ गए थे कि भाई वो कुछ भी लिख रहे हैं, ठीक है, ब्राह्मण सब अपने अपने काम करते थे, बट रिजिड डिविजन नहीं था, आज मैं ये हूं, मेरा बाप ये है, मेरी माँ ये है, ठीक है, कोई नहीं, सब है। उसके बाद नियोग ये हो गया था, हाँ, काऊ को मारा नहीं जाता था, तो ये ध्यान रखना है। अघन्य, अघन्य अपराध माना जाता था, सुरा वगैरह ये पीते थे, सुरा और सोम ये ड्रिंक करते थे। रिलीजन, अपना रिलीजन से रिलेटेड हमें यहाँ पे पर्सोनिफाइड इनको कर दिया गया था। 33 गॉड थे, अलग अलग काम सबको सौंप दिए गए थे, भाई तू ये संभाल ले, मैं ये संभाल लेता हूँ, ठीक है, मैंने पृथ्वी संभाल ली तो अग्नि, सोम सब संभाल लेंगे। बीच वाले तीन अपने देखे थे, पृथ्वी, बीच का अंतरिक्ष और द्युष्थनिया, ठीक है, वरुण, अदिति, ये सब थे। इंद्र, अरुण, अग्नि और वरुण ये सबसे इंपॉर्टेंट रहते थे। इंद्रा को फोर्ट का डिस्ट्रॉयर, अग्नि बीच का रहता था, इसको इंटरमीडियरी माना जाता था। सूर्य, सावित्री, सावित्री का एसोसिएशन अपने देखा था गायत्री मंत्र से, ये इंपॉर्टेंट है। ये हो गया सोम, सोमरस, अग्निहोत्री, भांग भी था, 9th मंडल, तो सोम मंडल उसको बोल रहे थे। अश्विनी, नतश्य, ये सारे के सारे अदर गॉड, गॉडेसेस वगैरह आपके थे। इकोनॉमी में नोमेडिक चल रहा है, अभी तक मार्केट कोई भी अपना डेवलप नहीं हुआ था। एंड चलो कॉम्प्लेक्सिटी और ये सब वो सब, एक्सचेंज, ओसीपी, ओक्रे, क्लर्ड, पॉटरी,
ये अपना हो गया। तो ये है अपना कल का रिवीजन। अब अपन आराम से चलते हैं। अब अपना रहेगा लेटर वैदिक पीरियड। देखो रिवीजन क्यों इंपॉर्टेंट है, भले ही चाहे 10-15 मिनट लगे, बट जब तक कल का अपन रिलेट नहीं कर पाएंगे तब तक आज का पढ़ने में ना ही मजा आएगा ना ही आप उसको कर पाओगे। आप लोगों ने भी हो सकता है रिवाइज किया हो, एक और रिविजन हो गया, वेल एंड गुड। ऐसे ही करते करते 4, 5, 6 रिविजन हो जाएंगे और चीजें इन्हीं में से ही आएंगी। ठीक है, तो एक मैं एक जैसे बहुत सारे लोग बोल रहे थे चाय पे पर्चा एंड कंफ्यूजन हो रहा है यूपीएससी समाचार, मॉर्निंग इवनिंग ये आ रहा है। ये शुरू की ही करीबी सीरीज थी यूपीएससी समाचार, बट आई हैव डिसाइडेड कि अब इसको आई एम स्टॉपिंग, क्योंकि कंफ्यूजन हो रहा है, ये देखना है ये देखना है। अब से ये रहेगा चैनल पे जो भी चीज आएगी वो आपको देखनी ही है, वो आपके प्रिलिम्स के लिए ही आएगी, अदरवाइज उसको हम नहीं डालेंगे। ठीक है, तो अपन इसको हटा रहे हैं। ठीक है, ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अब ओनली एंड ओनली चाय पे पर्चा, एंड चाय पे पर्चा हम 2 से कर रहे हैं, अभी तो 2 पे चल रहा है। लेटर ऑन धीरे धीरे जैसे जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होने लगेगा हम इसको 3 पे ले आएंगे। इन नेक्स्ट कमिंग डेज अपने साथ वाले क्लास के हिसाब से ही सारी चीजें मॉडिफाई करी जाएंगी, 2 से चलते चलते 3 पे। अभी यूपीएससी समाचार को बिल्कुल खत्म किया जा रहा है बिकॉज ये बोरिंग है। ठीक है, इतनी ज्यादा स्पीड में कुछ नहीं समझ में आएगा, ये कल का पढ़ा हुआ था इसलिए इतनी ज्यादा स्पीड में लिया था शशि। ठीक है, अब हम आते हैं लेटर वैदिक। देखो अब इसको आराम से देखते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे, इंटरेस्टिंग है, सवाल बनते हैं। लेटर वैदिक कहां से तक है, 1000 से 600। ठीक है, तो वो अर्ली वैदिक हो गया, जो भी आपका 1750 या फिर उससे 1000 तक था, तो ये अपना हो गया 1000 से 600 लेटर वैदिक। कहाँ कहाँ है पहले देखते हैं ज्योग्राफिकल एरिया। तो आर्यन जो सेटलमेंट थी ये सारे के सारे नॉर्थ इंडिया में जा रही थी, इसको ये बोल रहे थे आर्यवर्त। तो अगर सवाल आता है आर्यवर्त तो उसको अपन करेंगे उधर की तरफ, मतलब नॉर्थ इंडिया की तरफ। तो आर्यवर्त सेंटर ऑफ द कल्चर, अब आपका सरस्वती जो था वहां से गंगा की तरफ जा रहा है और इसी को हम बोल रहे हैं मध्य देश। आर्यन से माइग्रेट होते 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 लेटर वैदिक में इधर की तरफ आ गए। और कौन कौन सी रिवर्स हैं अपनी, देखो जहां पे मैं क्यू लगाता चलूंगा वो तो ध्यान रखना है, जैसे यहां लगा दिया ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये मध्य देश भी इंपॉर्टेंट है तो ये ध्यान रख लेना, जहां पे क्यू नहीं है उनको आप छोड़ देना, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ठीक है चलो कोई नहीं शशि, आई नो यू आर क्वाइट अप टू डेटेड एंड पढ़ने वाले बच्चों आप। ठीक है, अब देखो इसको देर वॉज अब और भी जैसे नर्मदा सदा नीरा, मतलब हर टाइम इसमें नीर रहता है सदा नीरा, ये गंडक को बोलते थे। गंडक इसमें क्यों मार्क किया मैंने, क्योंकि ये हरियाणा के कंटेक्स्ट में है, तो सदा नीरा टर्म अगर आती है किसके लिए तो गंडक के लिए। चंबल का भी इसमें मेंशन है। अब यहां से एक्सपेंशन हो रहा है ईस्ट की तरफ, तो सतपथ ब्राह्मण जो अपना इसका नाम था अब मतलब विदग मतलब जो कुछ भी बोल लो कि भाई माइग्रेटेड सरस्वती रीजन से आप यहाँ पे माइग्रेट कर रहे हो, जो भी अपना गंगा वाला रीजन था, तो इसको लैंड ऑफ विदेहा ये बोलते थे तिरुत के नाम पे। ठीक है, ये इसमें मेंशन था कि भाई ये ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, कहाँ पे मेंशन था सतपथ ब्राह्मणा में, ब्राह्मणा के अलग अलग टाइप थे तो उसमें ये मेंशन था। अब यहाँ पे क्या है एमरजेंस ऑफ जनपद, मतलब जैसे राजा होता है राजा का जहां जहां पे पैर पड़ गया, तो इसलिए उसको बोलते हैं जनपद टाइप्स कि भाई जहां जहां तक आपका एक्सटेंशन है। तो ये आप में कुरुज थे, इसमें पुरु भारत पांचाल थे, ये सब थे, ये सारे के सारे काशी, ये इसी दोआब में रहते थे। दोआब क्या होता है, दो रिवर्स के बीच का। ठीक है, अब यहाँ पे 3 ब्रॉड डिविजन हमने किए हैं। ऊपर वाला अपना क्या हो गया, नॉर्थ वाला आर्यवर्त, बीच वाला मध्य देश और नीचे वाला दक्षिणपथ। तो ये टर्म जब भी आएंगे तो समझना है नॉर्थ बीच का और ये। ठीक है, अब हम आते हैं पॉलिटी पे। अब यहाँ पे राजा कैसे थे, उनके क्या क्या काम थे। ठीक है, अब डिवाइन ओरिजिन माना जाता था कि भगवान का ही एक रूप है। ठीक है, तैत्तरीय ब्राह्मणा इसमें लिखा हुआ है कि भाई आप डिवाइन ओरिजिन है। इंपॉर्टेंट क्या है, डिवाइन ओरिजिन में माने जाते हैं लेटर वेदी में कि आप उसी का रूप हो। स्पेशलाइजेशन बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, काम बढ़ते गए, पॉपुलेशन बढ़ती गई, तो इन्होंने मशीनरी को ज्यादा इलेबोरेट कर दिया, सिविल फंक्शनरीज बढ़ा दी। पहले सिर्फ और सिर्फ पुरोहित होता था, थोड़े थोड़े अपने क्या रहते थे सेनानी वगैरह होते थे या फिर ग्रामीणी, ये अपने देखे थे सेनानी और ग्रामीणी। अब इन्होंने इसके साथ जैसे कलेक्टर, कलेक्टर भाग दूधा,
भाग को लेता था, टैक्स को भाग बोलते थे, तो टैक्स को लेता था तो भाग दूध किसको बोलते थे अपन, कलेक्टर को। सूत और सारथी यानी रॉयल हेराल्ड या फिर जो सारथी चैरियटर उसको अपन ये बोल रहे हैं, ठीक है। क्षत्रि चैम्बरलिन, ये मुझे भी नहीं पता क्या होता है। अक्षवापा, ये आपका क्या हो गया, कॉरियर जो बैठ रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से। अब यहां पे क्या है, जो पुराने वाले हैं सेनानी और ग्रामीणी, ये दोनों चलते ही आ रहे हैं। तो यहाँ पे अपने को सतपति से ही पता चल रहा है कि ड्यूटीज जो हैं, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिंग जो भी एरियाज वगैरह हैं, सारे के सारे इनको देखने पड़ते थे। अब अलग अलग नाम इन्होंने दिए हैं, सतपति, सत शतक होता है, शतक, शतक मतलब 100। तो सतपति क्या होता था, जिसके पास 100 गांवों की आपका पूरा का पूरा कंट्रोल रहता था। अधिकृता, अधिकृता क्या होता है, मतलब अधिकारी टाइप्स, अधिकारी, अधिकृता, विलेज ऑफिशियल्स। फिर एक है उग्र, पुलिस क्या होती है, उग्र होती है क्योंकि उसको कंट्रोल करना होता है, तो पुलिस ऑफिशियल्स होते थे उग्र। उग्र मतलब कंट्रोल करना है, तो उग्र ये हो गए। अब यहां तक तो ठीक है। अब यहाँ पे जो आपके जैसे सभा, समिति, विधाता, ये मतलब सभा और समिति तो चली आ रही है, विधाता जो एक और होती थी वो डिसअपियर हो गई है, ये ध्यान रखना है। यहां तक कोई भी स्टैंडिंग आर्मी नहीं है, जुडिशरी आपकी ग्रो कर रही है। ये हो गया एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। सोसाइटी में क्या चल रहा है भाई, सोसाइटी में क्या था, यज्ञ, मतलब जो आपके यज्ञ वगैरह होते थे, इलेबोरेट कॉम्प्लिकेटेड। तो इतने इलेबोरेट बनाओगे तो रिचुअल्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो स्पेसिफिकली काम डिवाइड हो जाएंगे और जो ब्राह्मण्स हैं उनको ये काम मिलता जाएगा। आर्यंस जो थे वो एक्सपेंड करने लगे, ईस्ट, साउथ, क्षत्रिय थे। अब एक्सपेंड करते करते क्या हुआ, अलग अलग कामों को भी उन्होंने डिवाइड कर लिया, सेपरेट सेपरेट क्लासेस बनानी शुरू कर दी। तो ये जो क्षत्रिय थे इन्हीं से ही, मतलब पहले ब्राह्मण, इलेबोरेटेड ब्राह्मण हो गए, और एक्सपेंशन हुआ तो क्षत्रिय बहुत सारे हो गए। एक्सपेंशन में क्षत्रिय हेल्प कर रहे हैं क्योंकि उनका काम है लड़ना। अब उनमें से भी एक्सपेंशन होते होते सेपरेट क्लास बन गई वैश्य की। वो क्या होते थे, वो ट्रेड से रिलेटेड रखते थे, और विश मतलब होता है पीपल, विश से ही वैश्य, मतलब मैक्सिमम लोग। एक ये चीज ध्यान रखनी है, विश का पर्टिकुलर मतलब पीपल, विश्व, विश्व जो अपन टर्म डालते हैं वो इसी के कंटेक्स्ट में ही डाली जाती है। अब जो बाकी लोग बच गए उनको हम बोल रहे हैं फोर्थ क्लास यानी शूद्र। शूद्रों के नीचे भी होते थे अनटचेबल्स, वो आदि शूद्र आप बोल सकते हो, या अनटचेबल। अनटचेबल और शूद्र में अंतर है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। तो ये जो डिवीजन है इट इज नॉट रिजिड, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। बाद में आते आते ये और रिजिड हो जाएगा, अभी लेटर वेदिक का अर्ली पीरियड चल रहा है, उसके बाद रिजिड हो जाएगा। डिवीजन सोसाइटी का डिवीजन है, अभी रिजिड नहीं है। इंस्टीट्यूट, गोत्र आपका आने लगा है। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जैसे यहाँ पे मैरिजेस वगैरह जो होती थी, कि भाई आप हायर कास्ट में अगर मेल है तो लोअर, मतलब होती तो थी बट अगर मेल है तो उसकी मानी जाती थी कि भाई ठीक है इसको अलाउ कर देते हैं, बट फीमेल अगर हायर कास्ट की है और मेल लोअर कास्ट का, तो उसको अपन परमिट नहीं करते थे। मतलब एक प्योरिटी और पॉल्यूशन का कंसेप्ट अभी धीरे धीरे आ रहा है। फिर यहीं पे अपने को देखने को मिलता है, चार आपकी कास्ट होगी तो चार आश्रम, चार आश्रम आएंगे और चार ही इनके काम आएंगे, तो वो चार भी ध्यान रखने हैं, ये भी चार आश्रम ध्यान रखने हैं, चार पुरुषार्थ हैं, चार आश्रम हैं। तो चार अपने आश्रम हैं, एक तो देखो ब्रह्मचारी जो बिल्कुल पहले 25-25 साल के माने जाते थे, ये 25 साल तक ब्रह्मचारी रहो कुछ नहीं करना, देन आप गृहस्थ आश्रम में जाओ, ठीक है जी, गृहस्थ आश्रम फैमिली लाइफ आपकी चलेगी। फिर 25 साल के बाद, 50 साल के हो गए, फिर उसके बाद वनों में चले जाओ, वनों के बाद उसके भी 25 साल बाद ये संन्यास लेते थे। इसका मेंशन कहाँ मिला है, ज्वाला उपनिषद। सवाल बनेगा आश्रम, फोर आश्रम जो है वो कहाँ पे मेंशन थे, आंसर ज्वाला। तो ज्वाला, ज्वाला थी उसके, मतलब कुछ भी कर लोगे, ज्वाला में ही थे वो चार आश्रम, ठीक है। फायर, फायर, फोर, फोर आश्रम, चार पुरुषार्थ हैं, चार काम तो आदमी को करने ही करने पड़ेंगे, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। सीधा सीधा सवाल ये बन सकता है कि भाई इनमें से कौन सा पुरुषार्थ आपका नहीं है। तो एक ये हो गया, वुमेन जो है इनका जो पोजीशन है वो डिक्लाइन होती जा रही है। ऐतरेय ब्रह्मणा में भी लिखा हुआ है ये सारी जगह वुमेन के बारे में कि भाई सोर्स ऑफ मिजरी वुमेन है, सन ही बचा के रखेगा। मैत्रायणी में भी ये लिखा हुआ है कि तीन ही आपके विल है, दारू, वुमेन या फिर जुआ। मोनोगैमी होती थी बट पोलोगैमी भी फ्रीक्वेंट थी अभी तक, जैसे पांडवों में हो रही थी उस हिसाब से। वुमेन को प्रोहिबिट कर रहे हैं टू अटेंड द पॉलिटिकल असेंबलीज, ये याद रखना है।
एक चीज ये है, यजन वाले का गार्गी डायलॉग। गार्गी जो फेमस अपनी वो है वुमेन पॉइट वगैरह, जो इन्होंने भी बहुत सारी चीजें लिखी थी, ठीक है, बृहदारण्यक उपनिषद में थी, यजुर्वेदिका गार्गी डायलॉग, ठीक है, नॉट सो इंपॉर्टेंट, ध्यान रह जाए तो ठीक है। टाइप ऑफ हिंदू मैरिज, जब हम देखते हैं विवाह, शादी होती थी उस टाइम पे भी होती थी, आज के टाइम पे जैसे होते हैं वैसे ही उस टाइम पे होते थे। हेल्थ एंड फन, सर मेरा क्वेश्चन है, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, इन दिस मीन टाइम आई हैव टू प्रिपेयर फॉर एचएस, दिस कैन यू प्लीज टेल मी इज देयर एनी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर हरियाणा जीएस। इंपॉर्टेंट टॉपिक हरियाणा जीएस का हरियाणा ही है, जो सेपरेट रहेगा उसकी आप प्लेलिस्ट है हरियाणा जीएस की, वहां से आप कर सकते हो, जिसमें मैंने स्टैटिक प्लस 3 ईयर्स के करंट अफेयर्स कराया, वो सारा का सारा आप वहीं से ही कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा सारा फैक्चुअल है, ये जो लूडो सीरीज है वो इंपॉर्टेंट रहेगी, और यूपीएससी समाचार। चलो ठीक है, अब अपन आ जाते हैं काम पे। एक बार मैं पानी का ग्लास ले आता हूँ, मेरा गला थोड़ा सा सूख रहा है। फिर उसके बाद अपन मैरिज डिस्कस करेंगे, सबका फेवरेट टॉपिक रहता है, पता नहीं। चलो आप अपना क्या है, देखो अब इसमें है मैरिज। मैरिज में क्या था, देखो नाम से ही थोड़ा याद रखने की कोशिश करनी है, तो सारी चीजें जो आज के टाइम पे होती थी वो भी अपना रहेगा, ठीक है। तो उसमें देखो ब्रह्म विवाह जो सबसे अच्छा माना जाता था, क्या कि भाई दहेज दे दो, दहेज दे के ले आओ, वो सबसे बढ़िया है, ब्रह्म विवाह। आज के टाइम पे उल्टा हो गया, ठीक है। देव विवाह, देव विवाह, देव कहाँ होते थे, आपके उसमें मंदिर में, तो ये प्रिस्ट से ही शादी कर देते थे, मतलब फीस की तरीके से कि भाई शादी ही कर लो, तो देव विवाह, देव कहाँ मंदिर में, तो ये हो गया। फिर है अर्श विवाह। अर्श क्या होता है, मतलब अर्श फीमेल प्राइस, उससे रिलेटेड है, ब्राइड प्राइस। ये एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट होता है, आज के टाइम भी इंडिया में ब्राइड प्राइस चलता है। बेसिकली क्या है ब्राइड प्राइस में, जैसे डोवरी है, डोवरी का बिल्कुल ऑपोजिट, अगर आपको लड़की चाहिए तो आपको पैसे देने पड़े, मतलब एज अ डोवरी, वो मतलब खरीद के नहीं, परचेज करके नहीं, मतलब वैसे एज अ सोशल, जैसे दहेज को गलत नहीं माना जाता वैसे ही ब्राइड प्राइस को गलत नहीं माना जाता। आई एम टॉकिंग अबाउट इन जनरल, बट गलत है सोसाइटी के हिसाब से, ठीक है, वो अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग चीजें धीरे धीरे डेवलप होती है। अर्श, अर्श मतलब फीमेल प्राइस, ठीक है। फिर आता है प्रजापति, प्रजापति और ब्रह्मा उल्टा है। ब्रह्मा में क्या है, डोरी से ले आओ, ठीक है, और विदाउट डिमांडिंग एनी ब्राइड प्राइस या डोरी, तो आप लेके आ रहे हैं, तो इसको प्रजापति। फिर अपने गंधर्व विवाह, गंधर्व विवाह किसने किया था, कृष्ण और किसने किया था, या फिर बात बात हुई थी, विवाह नहीं हुआ था, कृष्ण और राधा, लव मैरिज, ठीक है। आज के टाइम पे भी इंडिया में ओनली एंड ओनली 5% इंटरकास्ट मैरिजेस होती हैं, अदर देन दैट 95% आर इंटरकास्ट अरेंज मैरिज, कुछ नहीं। असुर, देखो तीन चीज है, असुर, राक्षस और पिशाच, याद कैसे रखोगे, कंफ्यूजन होता है। पिशाच जो है वो मतलब हम ऐसा कर सकते हैं कि पिशाच इज जैसे हिलता पिलता, तो सिड्यूस, डांसिंग से थोड़ा सा ध्यान रख लो कि भाई सिड्यूस करके अगर आप विवाह कर रहे हैं तो वो पिशाच में आएगा, ठीक है, तो इसमें सिड्यूसिंग से आएगा। राक्षस और असुर, असुर क्या है, असुर परचेज कर रहे हैं गर्ल को तब करते हैं, तो असुर। राक्षस क्या है, राक्षस तो हरा के किडनैप करके ही ले गया, ठीक है, तो राक्षस और ज्यादा बुरा है असुर से भी। तो असुर तो ठीक है जी, मैं पैसे दे रहा हूं, आप गर्ल मैरिज करने दो, वो है असुर। राक्षस मतलब किडनैप ही करके ले गए, मतलब और ज्यादा गड़बड़, तो असुर राक्षस। पिशाच मतलब पिशाच को डांसिंग करते हुए सीड्यूसिंग से रिलेटेड आता है, या फिर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेपिंग, उसको अपन उस कंटेक्स में नहीं देखेंगे मे बी, बट वो शादी से रिलेटेड है, तो सीड्यूसिंग के कंटेक्स में आप ज्यादा देखोगे, ठीक है। जैसे सुप्रीम कोर्ट अभी इस टाइम पे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मतलब एक माइनर थी, माइनर का रेप हो गया था, उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि क्या आप
अभी उससे शादी कर लोगे? तो वो कहता है कि जी मैंने तो शादी के लिए बोला था, उसने मना कर दिया। बट क्या ये चीज ठीक है? मतलब एब्सोल्युटली रॉन्ग कि कैसे उस दोनों चीजों को रिलेट किया जा सकता है वो तो मतलब ही नहीं बनता। फिर अब हम इसमें आते हैं, देखो अनुलोम प्रतिलोम ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अनुलोम और प्रतिलोम सीधा सीधा पूछा जाएगा, अनुलोम विवाह क्या है, प्रतिलोम क्या है? तो जब मतलब ब्राइड लोअर कास्ट की हो मतलब एक्सेप्टेबल है अनुलोम, प्रतिलोम तो बिल्कुल भी नहीं, प्रतिलोम तो चाहिए ही नहीं, अनु चलेगा ठीक है, तो प्रति नहीं चाहिए, या फिर ऐसे याद रख लो पति नहीं चाहिए अनु चलेगा ठीक है, पति नहीं चाहिए अनु चलेगा। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि ऐसा आज भी ऐसा ही होता है, प्रति पति नहीं चाहिए, यानी ब्राइड अपर कास्ट की है, ब्राइड अपर कास्ट की है तो वो क्या कह रही है, पति नहीं चाहिए ठीक है, ब्राइड अपर की है और ऐसा होने भी नहीं देते। अगर ब्राइड लोअर की है वो ऊपर का है तो चलेगा ठीक है, तो ये दोनों अपने ऐसे याद रखने हैं। फिर हमारे आते हैं अलग अलग संस्काराज, ये बहुत सारे नाम है ये ध्यान रख लेना, कुछ नहीं ठीक है, तो ये पुमर्शवन कोई काम के नहीं। अब हम आते हैं रिलीजन पे, रिलीजन में क्या था? अब जो पुराने वाले थे अनुब्राइड चाहिए ठीक है, कुछ भी कर लो किसी भी हिसाब से याद रहना चाहिए ठीक है, उसका उल्टा है इसका उल्टा, तो प्रतिलोम पति नहीं चाहिए ठीक है। अब हम आते हैं रिलीजन, यानी अब रिलीजन में क्या हुआ, जो हमारे इंद्र और ये अग्नि वायु ये सब जो थे इन्होंने अपनी इंपॉर्टेंस खत्म कर दी, और जो तीन हमारे मेन चलते हैं विष्णु शिव और ब्रह्मा, जिनके बारे में अपन बात करते हैं हमेशा, एक ने बनाया एक ने ध्यान रखा एक ने नाश किया, तो उस हिसाब से तो ये आ गए। जैसे प्रजापति क्रिएटर जिसको ब्रह्मा भी बोलते हैं, विष्णु कि भाई ये ध्यान रख लेगा, रुद्र गॉड ऑफ एनिमल्स जो आइडेंटिफाई बाद में शिवा की तरह करे गए थे, इनकी प्रोमिनेंस अब बढ़ने लगे, नए नए आपके रिलीजन में अपने आ रहे हैं ठीक है। और यहाँ पे एक रहते थे पुषाण, पुषाण क्या होते थे, ये भी कैटल्स को प्रोटेक्ट करके रखते थे, ये थे गॉड ऑफ शूद्रास, एक सवाल ये बन सकता है ठीक है, ये हो गया। फिर बृद्रन का ये मैंने बताया था, बृद्रन करते करते वो ट्रांसमाइग्रेट करके दूसरे में, यानी यहाँ पे एक चीज आ रही है पूर्व जन्म अगला जन्म इस टाइप की बात है, और इसमें कर्मा भी आएगा कि भाई इस जन्म में अच्छा करोगे तो अगला जन्म में ठीक मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा, व्हाटएवर। तो ये सारी की सारी चीजें अपनी आ रही है बृद्रन का उपनिषद में, ये आ गया। अब हमारे हैं 12 रत्नाज ठीक है, सतपथा ब्राह्मणाज में 12 थे, कुछ इंपॉर्टेंट नाम है याद रखने, कौन कौन से, पुरोहित सवाल बन सकता है, प्रिस्ट, महिषी, महिषी क्वीन को बोलते थे, युवराज ध्यान रखना क्राउन प्रिंस, सारथी तो अपना हो ही गया जो घोड़ा चलाता है, सेनानी ग्रामीणी अपन ने कल ही देख लिया था, और शाता ये इसका गेटमैन होता था, संग्रहिती संग्रहित्री यानी संग्रह करके रखता था, तो संग्रहिती है ट्रेजरर ठीक है, संग्रह संग्रहिती ट्रेजरर। भाग दूध, भाग दूध मैंने कहा था, भाग किसका, टैक्सेस का, दूध मतलब वो ले लेता था, तो भाग दूध कलेक्टर ऑफ टैक्सेस, कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो पहले होता था उसका इतना ही काम होता था, रेवेन्यूज का कलेक्शन का ठीक है। पागल, पागल दोस्त होते हैं भाई, तो पागल दोस्त, दोस्तों से पागल कोई नहीं होता, तो वैसे पलगला लिखा हुआ है, पलगला, पलगला क्या है, पलगला क्या है नहीं पता चलेगा, पलगला करते ही पागल पागल, पलगला पागल, पागल क्या हो गया, राजा, राजा का दोस्त जो है वो पागल है, पलगल फ्रेंड ऑफ किंग। गोविकर्ता इज द हेड ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, गोविकर्ता ठीक है। तो शुरू में क्या होते थे, जो अर्ली में हमारे अर्ली सिंपल छोटी छोटी सी आपकी ये हैं सेरेमनीज हैं, ऐसा कर लिया वैसा कर लिया ठीक है जी, अब इनको आप वो करने लगे, इलेबोरेट करने लगे, मतलब पहले 4 मंत्रों से काम चल जाता था, फिर 40 पे आ गए। अब ये भी तो होगा कि जो 40 हैं उनको याद करने के लिए भी आपको ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, देन मतलब कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही चीजें, जैसे जैसे चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी वैसे वैसे स्पेशलाइज्ड मतलब जिसको वो चीज आती होगी वही उसके हिसाब से काम कर पाएगा, तो मतलब एक रिजिडिटी की तरफ अपन बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो सेक्रीफाइसेस थे ये 2 टाइप के होते थे, लघु यज्ञ, यजन, लघु मतलब तो होता है स्मॉल, महा मतलब होता है बड़ा, तो लघु में अपने ये नाम ये रह जाए तो ठीक है, नॉट सो इम्पोर्टेंट। पंच महायज्ञ, यज्ञोत्र, अमावस अमावस पूर्णिमा वाले होते हैं ना, ये है लघु, महायान इंपॉर्टेंट,
महायज्ञ ये इंपॉर्टेंट है सारे के साथ। तो इसमें देखो क्या है, ग्रांड और रॉयल। राजसूय राजा करता था, एक साल तक करता था, तो रॉयल ठीक है। इसमें राज अभिषेक, राजसूय यज्ञ इसको बोलते थे। तो एक साल तक इसकी मतलब सेक्रीफाइसेस ही चलते रहते थे एक साल तक, ठीक है। अनॉइंटमेंट जो भी आप अभिषेक वगैरह करते हैं वो। बाद में इसको रिप्लेस कर दिया गया था इससे, पहले ये बहुत फुल फ्लैश्ड फॉर्म में होता था। तो राजसूय राजा, राज अभिषेक जैसा एक साल तक। फिर हम आते हैं वाजपेयी, ठीक है। वाजपेयी, वाजपेयी जी से याद रख लेना, अटल बिहारी वाजपेयी, ड्रिंक ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है। मतलब बहुत दमदार आदमी थे, ड्रिंक ऑफ स्ट्रेंथ 17 दिन तक चलता था, 13 दिन तक उनकी सरकार चली थी। तो 13 दिन तक सरकार, 17 दिन तक वाजपेयी यज्ञ, ठीक है। 2 दिन यज्ञ ही कराते रहे थे बाद में। युविका, गंधर्व विवाह, क्या कहना चाहते हो कि आप अभी गंधर्व विवाह पे मतलब उस वाले उसमें फेज में आए हो, मतलब यहां तक पहुंचे हो, या फिर मतलब यू वांट कि हाँ गंधर्व विवाह इज अ गुड थिंग? ठीक है, आज भी मुझे लग रहा है थोड़ा सा पीछे चल रहे हो युविका कल की तरह, ठीक है। अब अपन इसमें देखते हैं, वाजपेयी तो हो गए, वाजपेयी ड्रिंक ऑफ स्ट्रेंथ। अश्वमेघ, सबको पता है घोड़ा भेज दिया जाता था, जहां तक जाएगा वहां तक राजा का एरिया, एंड 3 डेज इसको रखा जाता था। फिर है अपना अग्नि स्तोमा, अग्नि 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 से सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस ऑफ एनिमल 1 दिन का होता था, और लास्ट में सेक्रीफाइस कर कुरा के सोमरस कंज्यूम करके आराम से रहा जाता था। उसके बाद अब जो अपने ये सारे कल्ट और रिचुअल्स हैं ये डोमिनेंट होने लग गए, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये अपने हो गए यज्ञ वगैरह। इकोनॉमी में क्या हुआ, इकोनॉमी में क्या था कि पहले क्या था, ये अपने पास इनको रखते थे, कैटल्स को रखते थे। अब लैंड इंपॉर्टेंट हो गई है, लैंड पे काम करने लगे, स्पेशलाइजेशन, एंड हर चीज में स्पेशलाइजेशन। एग्रीकल्चर भी स्पेशलाइज्ड हो गया, 24 24 ऑक्शंस, आपके मेन्योर आने लगी, गुड्स वगैरह बनाने लगे, ऑक्यूपेशन अलग अलग तरीके के, फिशरमैन वशरमैन कुछ भी स्पेशलाइज होने लगे। कंसिडरेबल एडवांसमेंट आपके आने लगी है, टिन सिल्वर आयरन आपका आने लगा है। अयास याद रखना है, अयास किनको बोलते थे, इधर कॉपर और आयरन के जो आपके बने हुए होते थे, तो अयास, ठीक है। फिर यहाँ पे जो कॉर्पोरेशंस थी, या फिर एल्डरमैन, जो भी श्रेष्ठीज गणा, श्रेष्ठी श्रेणी, श्रेष्ठी और श्रेणी, ये क्या होते थे, मर्चेंट्स के गिल्ड होते थे, ठीक है। फिर अपना जो सबसे पहला था वो था ओक्रे कलर्ड पोएट्री, फिर अपना पेंटेड ग्रे वेयर, ब्लैक रेड, ठीक है, फिर ब्लैक, इस सीक्वेंस में अपन चलेंगे। अब ये हो गया अपना यहां तक। अब यहाँ पे जो महाजनपद पीरियड शुरू हो रहा है 600 से लेके 325, अब अपने को उसमें देखना है कि भाई कौन कौन से जनपद थे, क्यों थे, उसकी इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज, हरंक्या डायनेस्टीज अपन देखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या क्या थे, इफेक्ट ऑफ वॉर, ये इंटरेस्टिंग है, कौन कौन से फॉरेन इन्वेजन अपने हुए। फिर अपन आएंगे थोड़ा सा बुद्धिज्म पे, ठीक है, डरना नहीं है। सबसे टफ पार्ट है, सबसे पहले निपटा रहे हैं, आगे समस्या नहीं आएगी, ठीक है। सबसे टफ है एंशियंट, और ये तो सबसे ज्यादा टफ, मिडाइवल में उतनी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगी, और उसके बाद फिर मतलब इंपॉर्टेंट रहेंगी बट याद करने की कम रहेंगी। अब देखो महाजनपद क्या है, बड़े बड़े तो ये 16 होते थे, अंग कहाँ कहाँ है ये ध्यान रखना है, किस किस सीक्वेंस में, वो आप अपने उस हिसाब से ध्यान रखेंगे कि भाई जो मैप है, मैप के हिसाब से एनसीईआरटी में मैप मिल जाएगा। अंगा है बिहार में, मगध ये भी बिहार में, वाजी भी बिहार में, फिर मला ये है आपका यूपी में, मला काशी कौशाला, कौशाला अयोध्या के पास, ये यूपी के हैं सारे। वत्स ये कौसाम्बी, ये और अपना दिल्ली के पास आते जा रहे हैं। छेदी, छेदी वाले जो डायनेस्टी, या फिर छेदी वाले ये थे, ये शक्तिमती सौथावती बुंदेलखंड यूपी में, ठीक है, छेदी। उसके बाद अपने हैं कुरु, कुरु अपने हरियाणा में थे, दिल्ली वाले रीजन में, इंद्रप्रस्थ के साथ, ठीक है, कुरु। पांचाल, पांचाल नरेश, ये आपके रोहिलखंड यूपी, ठीक है। स्वरसेना, अवंती, मत्स्य, मत्स्य है अलवर में, अवंती वगैरह मालवा, मालवा प्लेन और मालवा प्लेटू मैंने बताया था आपको। तो मालवा प्लेन्स अपने कहाँ देखे थे, कौन से स्टेट में थे, ये जवाब दो।
बिल्कुल सही, लंबी सांस और डर के आगे जी। इतना ज्यादा फैक्चुअल है, याद नहीं रहेगा, रह जाए तो ठीक है। मैप में देखोगे तो ज्यादा याद रहेगा, ठीक है। गंधर्व ये अपना तक्षशिला पाकिस्तान वाले में ये था, एंड कंबुजा ये भी पाकिस्तान में ही था। तो यहां से बुद्धिस्ट लिटरेचर और जैन लिटरेचर में भी 16 मेंशन है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। यशिका निभा ममता, बिल्कुल गलत जवाब नहीं है आपको, सही जवाब। अब यहां पे देखो, दो टाइप के आपके स्टेट होते थे। एक तो आप बोल दो कि भाई मोनार्क, ठीक है, एक नॉन मोनार्क। मोनार्क मतलब एक आदमी अपने पास सारी पावर है, उसी के पास रहेगा, ठीक है। और नॉन मोनार्क रिपब्लिक मतलब इलेक्टेड हेड, सब मिलके एक हेड चुन रहे हैं। सो इंडिया इज मोनार्क। मुझे एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक मोनार्क का एग्जाम्पल दे दो, मॉडर्न से आज के टाइम पे रिपब्लिक मोनार्क का एग्जाम्पल दो। विक्स की गोली लो, खिच खिच दूर करो, ठीक है, मैं पानी से ही खिच के दूर कर लेता हूं। नेक्स्ट टाइम मिक्स सॉरी विक्स की गोली लेके बैठेंगे। दीपक मटेरियल तो ठीक है, अब इंग्लिश वाली में है, जो इंपॉर्टेंट है अपन वही कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, वाजी सख्या ये बुद्धिस्ट से रिलेटेड थे और महावीरा से रिलेटेड थे, तो ये रिपब्लिकन स्टेट्स होते थे, ठीक है। अब हम देखते हैं मगध जो सबसे इंपॉर्टेंट था, उसका जो राइज हुआ वो क्यों हुआ, उसके पीछे के क्या रीजन थे। चाइना, सीरियसली मोनार्क और रिपब्लिक दोनों, यस निभा। अब जलिए दिमाग की बत्ती, चाइना क्यों दिया आंसर पहले, चाइना कोरिया, ठीक है, दोनों का मैंने मिला के पूछा था, तो ब्रिटेन आंसर जाएगा, ठीक है ठीक है। चाइना इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री यार, ऐसा कैसे बोल सकते हैं चाइना के बारे में। अब देखो मगध जो था, देखो कोई भी स्टेट जब भी राइज होता है, उसकी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ओवरऑल इकोनॉमी या फिर मिलिट्री पावर सब रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पे 6th सेंचुरी से लेके 4 स्टेट्स के बीच में गड़बड़ चल रही है, मगध, कौशाला, वत्स एंड अवंती। मगध सबसे इंपॉर्टेंट क्यों रहा, उसके पीछे के क्या रीजन है, ये अपन देखते हैं। प्री में नहीं पूछे जाएंगे, मेंस में पूछे जाएंगे, सो आई विल टेक इट फर्स्ट। ज्योग्राफी, तो यहाँ पे आयरन बहुत ज्यादा मिलता था राजगीर में। वेपन्स इन्होंने अच्छे अच्छे बना लिए, फॉरेस्ट थे उनको क्लियर करना शुरू कर दिया, ये यहाँ पे हल भी बना लिए तो प्रोडक्शन भी बढ़ गया, प्रोडक्शन बढ़ा तो इकोनॉमी बढ़ी। गंगेटिक प्लेन में थे तो एलुवियम, फर्टाइल सोयल, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन इनके पास थी, इतनी ज्यादा थी कि जो अपना एलिफेंट्स वगैरह ये यूज करते थे, इन्हीं को ही सुन के जो आपका एलेक्जेंडर था वो भी भाग गया था कि भाई इनके पास तो बड़े बड़े हाथी हैं, ठीक है। तो अब इसमें अपने सीक्वेंस में चलते हैं, क्या क्या यहाँ पे रहे, तो अपनी अब ये जो है, ठीक है, अब ये जो है हरंग का डायनेस्टी, ठीक है, अमित ममता यू का, ठीक है सर, पूछ रहे हैं, बीच बीच में आएंगे तो पूछ ही रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। देखो पहला है हरंग का डायनेस्टी, ये है 544 से 412। हरंग का में बी ए से याद रखो कि पहले आया बी फिर आया ए, बी में कौन है, ठीक है, बी में था बिंबिसार, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, बिंबिसार था जिसको बिंबिसार हरंग क्या, ठीक है, हरी बिंबी या हरी बिंदी से याद रख लो, हरी बिंदी। तो इसने फाउंड आउट की हरंका डायनेस्टी, और इसी की प्रोमिनेंस में मगध बहुत ज्यादा इंप्रूव भी हुआ, गौतम बुद्ध इसके कंटेम्प्रेरी थे, ये एक सवाल होता है। एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी हर जगह, शादी कर ली या फिर हरा दिया, देखो काशी को डौरी में ले लिया, अंगा को तो कनकरी कर दिया, फिर अपना एक फिजिशियन इसने भेजा था, कौन, जीवक, ये इंपॉर्टेंट है, ये सवाल बनता है कि फिजिशियन कौन भेजा गया था, जीवक कहाँ भेजा गया था, उज्जैन, किसके पास भेजा गया था, प्रद्योता, उसको क्या हो रखा था, जॉन्डिस, तो उसको ठीक करने के लिए इन्होंने भेजा था। और एक राजगीर में नई सिटी बनाई थी, रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी रखने वाला फर्स्ट किंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, सैन्य इसको बोला जाता था, सैन्य क्यों, कि भाई फर्स्ट स्टैंडिंग आर्मी इसकी है। फिर बिंबिसार, हरंक्या डायनेस्टी बिंबिसार से शुरू होगी, बिंबिसार के बाद ए, ए है अजात शत्रु,
अजात शत्रु कुनिका भी बोला जाता था, ये इसका बेटा था बट शत्रु ही निकला। कैसे? इसने अपने बाप को मार दिया, अपने मामा को मार दिया, बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव पॉलिसी, काशी पे कंट्रोल कर लिया। तो अजात शत्रु की तो ये कहानी थी। वाजी कॉन्फेडरेशन, इसने उससे लड़ाई चल रही थी, 16 साल तक लड़ता रहा, बाद में हराया बट धोखे से। तीन जो मेन चीज थी इसको हराने में, वाजी को मतलब उसके जो खुद के थे उन्होंने धोखा दे दिया, डिप्लोमेटिक मिनिस्टर्स थे, आपस में भी गड़बड़ चल रही थी, ठीक है। और एक है रथ मुसल, एक काइंड ऑफ चैरियट जो इससे अटैच्ड है। और तीसरा, यहाँ पे बड़े बड़े कैटेपल्ट, बिग स्टोन्स को थ्रोन करने वाले इंजन्स होते थे, उसके हिसाब से इन्होंने अपना वो कर लिया, ठीक है। तो ये बड़े बड़े, जैसे अपन एक मूवी अभी आई थी अजय देवगन की, कौन सी मूवी आई थी, ये आपके लिए सवाल है, मगध में नेचुरल फोर्टिफिकेशन था, ठीक है। K4A3M3V2SGPC, ये किसकी ट्रिक बता रहे हो, मत ये भी बता दो, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। थ्री थिंग्स, ये तो चलो कोई नहीं, आप काशी और वैशाली इनको हरा गया और ऐड कर लिया, पावरफुल बन गया। तो बिंबिसार, अजात शत्रु भाग रहा है, बना रहा है राजगीर और पाटली, ठीक है। तो राजगीर में ही इसने फिर से फोर्टिफिकेशन, उड्डयन, उड़ती उड़ती, अब उड़ती उड़ती में सबसे नई चीज क्या हुई है यहाँ पे, उड्डयन ने क्या किया, ये उसका बेटा था, अजात शत्रु का बेटा था उड्डयन, उड़ता उड़ता ये कहाँ पहुंच गया, पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र में इसने नई सिटी बना दी, और कुछ नहीं है। इसके बाद सारे के सारे वीक थे। उसके बाद जो हमारी नई डायनेस्टी आ रही है वो है शिशुनाग। शिशुनाग डायनेस्टी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शिशुनाग डायनेस्टी ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पे इससे पहले नाग दशक अनवरदी रूलर था, तो इसने क्या किया, लोगों ने मतलब ये उसका था, तो इन्होंने लोगों ने क्या किया, खुद ही सेलेक्ट कर लिया कि शिशुनाग इसका जो मिनिस्टर होता था कि भाई इसी को हम अब बना देते हैं, तो ये हमारा यहाँ पे शिशुनाग से आपकी ये डायनेस्टी शुरू होगी फिर, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट क्या रही, इसने प्रद्युत डायनेस्टी को हरा दिया, खत्म कर दिया, और अवंती भी अब मगध का पार्ट बन गया था। जो ये प्रद्योत्तर डायनेस्टी है ये अवंती की है, इसको अपने अंदर मिला लिया। शिशुनाग के बाद आया आपका काल अशोका, और अशोक और काल अशोक, अशोका के टाइम पे सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी और काल अशोक के टाइम पे थर्ड हुई थी। चारों के चारों आएंगी, फिर से आएंगी, किस किस के में कौन कौन सी हुई थी वो भी ट्रिक से बताएंगे अपन, ठीक है। उसकी ट्रिक है एके एके, तो पहली तो अजात शत्रु, काल अशोक, अशोक और एक कनिष्क, ये है चार, ठीक है, ये आगे आएंगे। तो ये चारों के 1 2 3 4। अच्छा, अब आपके लिए सवाल है, कहाँ कहाँ हुई थी उसकी मैंने एक ट्रिक बताई थी, ठीक है। तो वो थाना जी, थाना जी बनावली बिल्कुल पास है, ठीक है, अच्छी बात है। अमित को भी साथ ले जाना, अमित घूमने के लिए बोल रहा, ठीक है। अब वो ट्रिक बताओ मेरे को, कहाँ कहाँ लोकेशंस, क्योंकि लोकेशंस की ट्रिक जो थी 1 2 3 4 सारे की सारी बुद्धिस्ट काउंसिल की, ये बताओ आंसर भाई। यशिका, ठीक है, आगे आ ही जाएगा, वैसे अपन चलते हैं। नालन नंदा डायनेस्टी, ठीक है। अब यहाँ पे काल अशोका के बाद अपने पास आ रही है नंद, नंद थे महापद्मानंदा, उन्होंने इसको एस्टेब्लिश किया था, एक सवाल ये बनता है। तो महापद्मानंदा, यहाँ पे महापद्मानंदा को अलग अलग नाम से भी बुलाया जाता था, सर्वक्षत्रंक, सारों को इसने अपरूट कर दिया था, मतलब हरा दिया था। और उग्रसेन, उग्रसेन भी मतलब बहुत उग्र, तो ह्यूज आर्मी इसके पास होती थी, सेन सेना, बहुत ही ज्यादा बड़ी सेना होती थी, तो ये अपना हो गया, ठीक है। और एकनाट बोलते थे, सम्राट एकनाट, एकनाट मतलब सोल मोनार्क, सबका एक ही, एंड द फर्स्ट एम्पायर बिल्डर ऑफ द इंडियन हिस्ट्री वॉज महापद्मानंदा। उसके बाद उसके बेटे थे 8 सन्स, धनानंद, और इसका सबसे लास्ट था, लास्ट किंग जो अपना है, ठीक है। जैसे इसी के टाइम पे ही इन्वेजन हुआ, ड्यूरिंग धनानंद जो सबसे आखिरी था, इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर, बट अलेक्जेंडर डर गया कि भाई इसके पास इतने सारे ये हैं, ये है एलिफेंट्स है, तो उसने अपना मार्च वापस ले लिया। इसके जो सोल्जर्स भी थे वो भी
बहुत थक गए थे, प्रीलिम्स के बाद आ जाना ठीक है। सेकंड राजगीर में थी, DDLJ करके बताया था ठीक है। राज वैशाली, और उसको पता है कि कहाँ पे, कश्मीर, कश्मीर से अपन ने ध्यान रखा था ठीक है। तो ये हो गया है। अब यहाँ पे ये आ गया, ये आ गया। तो देखो अब अलग अलग जगह से फॉरेन इन्वेजन्स हो गए। नंदा डायनेस्टी के बाद जो खत्म हुआ, तो मौर्यन डायनेस्टी का जो फाउंडर है वो कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। अब फॉरेन इन्वेजन में सबसे पहला ईरानियन या पर्शियन इन्वेजन डेरियस हुआ था। डेरियस ने नॉर्थ वेस्ट पंजाब से इन्वेड किया था, और यहां से जो है कि भाई उसके इन्वेजन से लगभग 200 साल तक कॉन्टैक्ट मेंटेन रहा। तो किसने किया इरेनियन, ये ध्यान रखना है, डेरियस, ये इंपॉर्टेंट है। इफेक्ट क्या रहा है, देखो जनरल इफेक्ट है सारे के सारे, ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ा, और हम मतलब जैसे ईरान और ग्रीक जो है वो बड़े ही, मतलब ईरान ने इन्वेड किया तो ग्रीक को पता चला कि इंडिया में इतनी ज्यादा वेल्थ है, तो उसके बाद ही फिर अलेक्जेंडर आया। लैंग्वेज में हमारे पास कौन सी स्क्रिप्ट आई, खरोस्ती स्क्रिप्ट, ये मैंने बताया, कहां से लेफ्ट टू राइट ये लिखी जाती है। फिर यहाँ पे मोरियन जो स्कल्पचर्स हैं वहां पे भी इनका अपने को एविडेंस मिल रहा है, बेल शेप्ड, या फिर जो प्रियम्बल ऑफ अशोक है उसमें भी कुछ कुछ एविडेंसेस हैं। तो ये इसका इफेक्ट रहा। ईरानियन के बाद हम देखते हैं मैसेडोनियन, यहाँ ग्रीक। तो जैसे ग्रीक और ईरान ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, जैसे ग्रीक और रोमन आपका सारा जो यूपीएससी में भी पूछा जाता है, बहुत पैट सवाल है। कौन सा आर्किटेक्चर, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में विच स्कूल इज इंस्पायर्ड फ्रॉम ग्रीको आर्यन, ये आपके लिए सवाल है। हाँ राइट टू लेफ्ट, मतलब जो भी है उल्टा, अपन नॉर्मली क्या लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट, तो उसका उल्टा राइट टू लेफ्ट, खरोस्ती उल्टी चलती है ठीक है। थैंक यू। आप इसमें हाँ जैसे ये आ गया मैसिडोनियन, तो अलेक्जेंडर 326 में ही आया था, 3 × 6, 326 BC में इसका इन्वेजन हुआ था। इसने सारा का सारा ये जो पर्शियन एम्पायर ईरानियन था वो ले लिया, तो इसे लगा कि अब मैं पूरे संसार पे राज करूंगा ईरानियन एम्पायर को डिस्ट्रॉय करते हुए। 20 ही साल का था जब मैसेडोनिया का ये राजा बन गया था और जीतने निकल गया था। फिर ये पहुंचा कहां तक, अटॉक तक पहुंच गया था, ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में अटॉक तक। अटॉक के बाद आने के बाद इसने जैसे जैसे जेलम को जब क्रॉस कर रहा था तो इसने पोरस को हराया था ठीक है। पोरस के बाद ही इसको पता चला कि भाई वहां तो हराने के बाद भी इसको अच्छे से ट्रीट किया। ये कहाँ पे हुआ था, बैटल ऑफ वितिस्ता, यानी जेलम को क्रॉस करके पोरस को सबसे पहले, ऐसा नहीं है कि सबसे पहले ही ये उससे लड़ने वाला था, तो सबसे पहले पोरस को डिफीट किया, बट ही ट्रीटेड हिम वेल। डोम आर्क गांधार आर्किटेक्चर, अमित बिल्कुल सही जवाब। तो यहाँ पे अपने देखेंगे पोरस को हराया झेलम पे, और जो आपका ये हुआ है बैटल, बैटल ऑफ वितिस्ता झेलम ठीक है, बैटल ऑफ वितिस्ता, और यहाँ पे ब्रिलियंट विक्ट्री एट शाकाला। ग्रीक फोर्सेस अब झेलम से आगे ब्यास की तरफ जा रही थी, बट सब थक गए, थक गए, तो बोले कि जी अब नहीं हो पाएगा, दे रिफ्यूज टू मार्च एनी फर्दर। दूसरा डर भी था कि अगर आगे चले गए तो हराए जाएंगे, तो फिर ये वापस चला गया 325 BC में। 326 में तो आया था, 325 BC में कैसे वापस गए, ये उल्टा कैसे हो रहा है, एक्सप्लेन। 326 BC में आया, 325 में वापस क्यों लिख रहे हैं। बेबीलोन पहुंच गया 323 में, और 33 साल की उम्र में ये मर गए। अब यहाँ पे व्हाट आर द ये है कि इफेक्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स इन्वेजन, तो ये एक तो पहले लैंड सी रूट तो थे ही, लैंड रूट भी ओपन हो गए ईरान इंडिया एंड यूरोप के बीच में। इंडो बैक्टीरियन इंडो पार्थियन जो भी था, गांधार स्कूल, ये अपना डेवलप होना शुरू हो गया। ओपन द आईज ऑफ इंडियन पॉलिटिशियन कि भाई उनको इकट्ठा रहना पड़ेगा, नहीं तो फिर बाहर से इन्वेजन होने के चांसेस ज्यादा है। द फर्स्ट रिलायबल डेट इन द अर्ली हिस्ट्री वो भी इसी की ही है, 326, 3 × 6। तो ये अपना हो गया है। अब इसके बाद है रिलीजियस मूवमेंट। देखो रिलीजियस मूवमेंट कंपैरेटिवली रहेंगे तो वैसे तो मैंने प्रिपेयर किया था आज के ही लिए, बट जैसे बुद्धिज्म जैनिज्म वाले थोड़े से इधर उधर होते हैं, उनको कंपैरेटिवली याद रखेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। आज के लिए आई थिंक हमने बहुत सारी डिटेल्स कर ली हैं, तो अभी इसको खत्म कर देंगे।
बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट, बीसी उल्टा चलता है। नेक्स्ट ईयर विल बी ठीक है सर, वो ज्योग्राफी वाले सर ने बताया। ठीक है बुद्धिज्म कंटिन्यू करना है, अगर बुद्धिज्म आज पढ़ना है तो मैं आज ही करा दूंगा, 20 एक मिनट लगेंगे। इंटरेस्ट बना हुआ है तो करवा देते हैं, एक पोल कर लो छोटा सा, करवाना है तो यस, नहीं करवाना है तो नो, क्योंकि रिवाइज करने का टाइम आपको मिल जाएगा। यस वी कैन कैरी ऑन, ठीक है तो वी विल कैरी ऑन, अब ज्यादा और पोल में नहीं जाएंगे, बोल दिया दो चारों ने बोल दिया है तो ठीक। यस यस नो, कोई नहीं निभा, आप इसका ये करना, आने के बाद देख लेना, अपन इसको कंटिन्यू कर रहे हैं ठीक है, मैक्सिमम लोग यस कह रहे हैं तो वी विल कंटिन्यू। अब यहाँ पे देखो रिलीजियस मोमेंट, तो 600 से 400 बीसी के बीच में जो रिलीजियस मोमेंट, एक तो अपन ने देखा था सेकेंड अर्बनाइजेशन, ठीक है तो ये भी उसी टाइम पे हो रहा है, फर्स्ट अर्बनाइजेशन कौन सा था ये मुझे बताओ, ये आपको बताना है आंसर। पॉलिटी एक ही दिन में रिवाइज करा देंगे यूवी का, तब तक आप जो लेक्चर्स हैं उनको देख लो, पुराने वाले हैं उनको उठा लो ठीक है। पॉलिटी एक ही दिन की है, जब मैं इसका रिवीजन कराऊंगा तो एक बार आप कर चुके होंगे, 7-8 घंटे का लंबा रिवीजन लेके पॉलिटी को आराम से बैठ के खत्म कर देंगे, उससे ज्यादा की नहीं है। इवन जो प्लेलिस्ट है वही 9 घंटे की है, उसमें 7.5 घंटे की काम की चीजें हैं ठीक है, 1.5 घंटे में तो मेरा इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन ही है। हड़प्पा इंडस वैली, यस ठीक है। चलो अब क्या है, अब हम देख रहे हैं इसमें, अब जैसे रिलीजियस मोमेंट है तो ये हुए क्यों, मोमेंट मतलब पहले कोई चीज रही होगी उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट मोमेंट अपन करते हैं, तो उसी हिसाब से अब क्या था कि ब्राह्मण वगैरह थे या हिंदुइज्म हम बोल सकते हैं, तो वो अपनी प्रोमिनेंस बढ़ाते जा रहे थे, तो हिंदुइज्म में ही जो बाकी लोग थे वो उसके अगेंस्ट खड़े होने लग गए, और वहां से ही एक्चुअली क्या था, ये बुद्धिज्म जैनिज्म जो इनका था, मैं इसको थोड़ा नीचे कर लू, ये देखने में मुझे बोले, अब इसको भी थोड़ा सा आगे कर थिंक, अब ठीक है। तो जो बुद्धिज्म जैनिज्म अपन थे ये पहले क्षत्रिय थे, तो क्षत्रिय से फिर अपना ये क्या आया है, मतलब हम इसको इधर लेके आए कि भाई हमें तो अपना नया रिलीजन ही चाहिए ठीक है, तो उसी के हिसाब से फिर ये बाद में आने लग गए ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि कॉजेज ऑफ रिलीजियस मूवमेंट, तो ऑब्वियसली कोई चीज जो ऑलरेडी चल रही है उसमें कोई ना कोई गड़बड़ होगी तभी, तो एक तो वैदिक जो फिलोसफी है उसने अपनी प्योरिटी को खत्म कर दिया, कॉम्प्लेक्स सुपरस्टिशन रिचुअल्स ये सब आने लगे, ब्राह्मण जो है उन्होंने सारे कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, क्षत्रिय उसके अगेंस्ट हो गए, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी अपनी डेवलप हो रही है, यानी यहाँ पे आपको जो एक मेन है मतलब पशु चाहिए, बट वो उस टाइम पे बीफ खाते थे या सब कुछ जो भी है, मतलब पशुओं को सेक्रीफाइस किया जाता था, सेक्रीफाइस बढ़ गए, खाने की हैबिट्स आपकी वैसी होगी, तो इन्होंने क्या कहा कि भाई आप रहने दो, हम इन चीजों को अवॉइड करना चाहते हैं क्योंकि हमें ये चीज चाहिए इकोनॉमी के लिए ठीक है, तो उस चीज को करने के लिए फिर ये रिलीजियस मोमेंट अपने आए, उसी में ही अपने दोनों के दोनों हैं, और वैश्य भी यही थे कि भाई हमें अपनी सोशल पोजिशन को इम्प्रूव करके फिर इकोनॉमिक पोजीशन को इंप्रूव करना है, तो सारे के सारे अगेंस्ट होते जा रहे थे, एंड दे केम टुगेदर और इन्होंने अपना एक ये रिलीजियस मोमेंट शुरू किया, तो जिसमें बुद्धिज्म जैनिज्म दोनों इंपॉर्टेंट है, आज अपन देखेंगे बुद्धिज्म कल अपन देखेंगे जैनिज्म, सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज लेस इंपॉर्टेंट नहीं है, बुद्धिज्म कंप्लीटली 21 स्टार ठीक है, जैनिज्म अगेन इट विल बी 21 स्टार। तो पहला तो यही है कि कौन इसके फाउंडर थे, तो गौतम बुद्ध ये हम सबको पता है, तब जन्म हुआ 563 BC, वाइडली एक्सेप्टेड यही है कि भाई वैशाख की पूर्णिमा थी और लुम्बिनी वन में इनका जन्म हुआ, प्लेसेस याद रख रहे हैं, जन्म कहाँ हुआ, सरमन कहाँ मिला, एस फॉर सरमन एस फॉर सारनाथ, फर्स्ट निर्वाणा कहाँ मिला वो ध्यान रखना है, फर्स्ट डेथ तो फर्स्ट क्या ही होती है, डेथ डेथ कहाँ हुई तो वो ध्यान रखना है ठीक है। तो लुम्बिनी वन में इनके पिताजी थे शुद्धोधन और मदर थी महामाया, उनसे इनका जन्म हुआ, और फिर इनकी मदर की डेथ हो गई थी, तो जो आंटी थी महाप्रजापति गौतमी, गौतमी के नाम पे ही इनका नाम रखा गया, एक सवाल ये बन सकता है ठीक है,
और उनके फादर ने उनको जल्दी ही शादी कर दी यशोधरा के साथ। साक्या डायनेस्टी की ये प्रिंसेस थी और उससे बेटा कौन हुआ? राहुल। राहुल कौन है? सबको पता है। जी जैनिज्म बुद्धिज्म इज ऑफ रीजन। ठीक है शशि, कोई नहीं, आप क्लास बाद में देख लेना, अभी काम है, काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया, अब ये तो अपने आ गए। अब हम आते हैं कि भाई और क्या क्या चीजें थी, क्या क्या इन्होंने किया, क्या क्या मिले, सब चीजें इंपॉर्टेंट है, सब के सब। देखो इन्होंने पहले क्या देखा था, चार लोग देखे थे, एक बूढ़ा आदमी था वो जा रहा था, एक बीमार था वो जा रहा था, बहुत लंबे टाइम तक ये उसमें बंद थे, मतलब जो आपका पोर्ट हो गया तो उसमें बंद थे, जैसे ही बाहर निकला तो सब कुछ देखे गई, बीमार भी दिखा, बूढ़ा भी दिखा, डेड पर्सन दिखा। तो उसके बाद और एक दिखा इनको खुश, तो चार जो दिखे थे उनमें से तीन तो थे दुखी प्लस एक था खुश। इन्हें लगा ये क्या हो रहा है, तो इन्होंने एनालाइज करना शुरू किया कि भाई ये क्या है क्यों। तो 29 इयर्स की एज में ही वो वहां से चल पड़े, महाभिनिष्कर्मा, निकल लिए घर छोड़ के, ठीक है, महाभिनिष्कर्मा, अब नहीं चाहिए घर, ठीक है। तो ग्रेट गोइंग फोर्थ, मतलब महाभिनिष्कर्मा, जा रहे हैं, जा रहे हैं वहां से। अब सवाल ये आता है कि उनके पहले टीचर कौन थे, तो अल्लाह राम पहले टीचर थे, अल्लाह राम नहीं अल्लाह राम, ठीक है, अल्लाह राम, क्योंकि बुद्धिज्म से आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं अल्लाह राम तो रहेंगे ही रहेंगे, तो अल्लाह राम पहले टीचर थे। संख्या, संख्या फिलोसफी, संख्या फिलोसफी किसने दी थी, संख्या किसकी ज्यादा थी, बताओ, सवाल आपके लिए ये है। व्हाट वाज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ गौतम बुद्ध, व्हाई डिड ही लीव द होम। देखो स्टार एजुकेशन हम यही देख रहे हैं कि जैसे इन्होंने ये जो चार चीजें देखी, तो जो आदमी जिसने कभी भी कुछ भी नहीं देखा उसको ये चार चीजें देखी, दुख ही दुख, ये एक आदमी रो रहा है, एक बूढ़ा हो गया उसने तो बूढ़ा मतलब समझ ही नहीं आ रहा था ये कैसे हो गया, एक आदमी बीमार पड़ा है उसने बीमारी नहीं देखी, तो उस हिसाब से उसके लिए सारी की सारी चीजें नई थी, तो वो घबरा गया। और एक उसने खुश देख लिया तो वो वंडर करने लग गया कि ये खुश क्यों है। ठीक है, और बेस्ट जो क्वालिटी उनकी थी वो अपन क्लास के लास्ट में डिस्कस करेंगे, सबसे पूछते हुए अभी नहीं करेंगे। कपिल, 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 ठीक है, कपिल्स, ठीक है, याद हो गया होगा, कुछ तो ट्रिक्स काम आ रही होंगी। ठीक है, अब देखो ये है अपना, अब ये हो गया, टेक्निक ऑफ मेडिटेशन इनसे सीखी थी अल्लारा कलमा से कि भाई हाँ आपने मेडिटेशन, ये भी टेबल 21 स्टार, जन्म अलग अलग सिंबल से रिप्रेजेंट किया गया था, तो मतलब जो लोटस है एंड द बुल उनको रिप्रेजेंट किया गया है बर्थ से। अभी घर छोड़ के गए थे विनिश्कर्मा रिनन्सिएशन, तो गए किस पे थे, घोड़े पे, घोड़ा कौन था, कंटक, कंटक नाम का घोड़ा था, कंटक भी ध्यान रखना है, और इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है हॉर्स से। एनलाइटनमेंट मिली थी बोधि ट्री के नीचे बैठ के, तो बोधि ट्री जो है वो एनलाइटनमेंट का है। फिर पहला जो सरमन दिया था तो धर्म का चक्र घूमने लग गया, तो चक्रा व्हील, अशोक चक्र, तो चक्रा फर्स्ट सरमन के साथ घूमने लगा था, धर्म चक्र परिवर्तन, तो चक्र आ रहा है चक्र, महापरिनिर्वाण यानी डेथ, तो वहां पे स्तूपा, या फिर उसको एम्प्टी सीट से भी दिखाया जाता है, ठीक है, एम्प्टी सीट वो भी भाई। तो ये हो गया, अब उनके जो नेक्स्ट जो टीचर थे उद्रक रामपुत्र, ये ठीक थे, ठीक है, एट द एज ऑफ 35 उनको यहाँ पे पीपल ट्री के नीचे बैठे हुए थे गंगा बोध गया में, उरुवेला बोध गया में, ऑन द रिवर निरंजना, तो निरंजना के तट पे बैठ के निर्वाणा इनको मिला। 49 डेज तक इन्होंने मेडिटेशन करी थी, वहां पे कितने ज्यादा दिन तक इन्होंने मेडिटेशन करी थी, बैठे हुए हैं, बैठे हुए हैं, बैठे हुए हैं, लगे बहुत बैठ लिए, अब ज्ञान देते हैं, ज्ञान दिया 5 डिसाइपल्स को इन्होंने ज्ञान दिया। तो जैसे ही उन्हें मेडिटेशन मिली, फुल्ली एनलाइटेंड हुए, तो इनको बोला जाता है बुद्धा या तथागत, तथागत, अब इससे ज्यादा कुछ नहीं जानना, तो तथागत बुद्ध इनको बोला जाता है, बुद्ध या तथागत, ये भी ध्यान रखना है। इसका मतलब है बुद्धिज्म में जैसे स्टेट ऑफ ब्लिस बोला जाता है, निर्वाणा मतलब स्टेट ऑफ ब्लिस, कुछ भी नहीं है, दुखी भी नहीं है, तो ब्लिसफुल, खुश भी है, थोड़ा थोड़ा सा खुश टाइप के ब्लिस, ठीक है। बुद्धा ने अपना फर्स्ट सरमन कहाँ दिया, सारनाथ, वेरी इंपॉर्टेंट, डियर पार्क में 5 डिसाइबल थे, यहीं से धर्म चक्र परिवर्तन यानी टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ। अब 80 साल की उम्र में वो मरे, खुशी खुशी मर गए थे, ऐसा नहीं है कि कुछ दुख हुआ, तो खुशी 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 नगर में मर गए, खुशी खुशी मरे थे खुशी नगर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, महापरिनिर्वाण, ठीक है, परिनिर्वाण बिल्कुल ही महा हो गया, तो
परिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण, फाइनल ब्लोइंग आउट, चले गए, अब वापस नहीं आएंगे। ठीक है, कंटक इनके घोड़े थे, चना चना इनके सारथी थे, देवदत्त इनके कजन थे, सुजाता एक फार्मर की डॉटर थी जिसने इनको दूध दिया था, राइस मिल्क। ठीक है, अदर नेम क्या थे बुद्ध बुद्ध के? गौतम, सिद्धार्थ एंड साक्य मुनि। साक्य मुनि से सवाल आए तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन थे, गौतम बुद्ध। ठीक है, नो कोई नहीं, आपको वैसे ही याद होगा, आई थिंक ट्रिक काम नहीं करी तो कोई नहीं, याद है ना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब हम आते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ बुद्धिज्म। तो डॉक्ट्राइन ऑफ बुद्धिज्म में अपना क्या है, ये बेसिकली क्या कहते हैं कि चार आपके नोबल ट्रुथ हैं और उसमें जो लास्ट वाला जो ट्रुथ है वो आपको आठ अलग अलग पाथ में बताएगा कि भाई आपको ये करना है। तो चार आपके नोबल ट्रुथ क्या है, पहला तो कि भाई इस संसार में दुख ही दुख, सेकंड दुखों के कारण होते हैं उनको हम जान सकते हैं, कारण जान लिए तो अब आप उनको रोक सकते हो, और चौथे में क्या बताया उन्होंने कि भाई रोकने का तरीका क्या है। तो पहला, लाइफ इज फुल ऑफ सोरो, दुख, सबम दुखम, सबको दुख है, कॉजेज ऑफ सोरो, दुख समुदाय, ठीक है, या फिर जो भी है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे ही मतलब कॉजेज ऑफ सोरो हैं, इट कैन बी स्टॉप, दुख निरोध, ठीक है, या निर्वाणा से। एंड एक पाथ होता है जिसको अष्टांगिका मार्ग बोलते हैं, आठ का पार्ट होता है, इसमें अपने रहेंगे, तो ये अष्टांगिका मार्ग है। अब इसमें एक फिलोसफी या फिर ये होता है कि हेतुवाद, हेतु हेतु मतलब होता है कॉज एंड इफेक्ट, जिससे जो चीज चल रही है वो आपका रहेगा हेतुवाद। ठीक है, अब यहाँ पे शरणागतवाद, ये भी वही है, मतलब मोमेंट्रीनेस जो है अभी है इसी क्षण है उस टाइप से। ठीक है, हेतु किसी चीज से कुछ हुआ, उससे फिर कुछ हुआ, उससे फिर कुछ हुआ, इस टाइप से। तो ये हो गया, अब इसने जो अष्टांगिका मार्ग जो बताया, एटफोल्ड पाथ की, राइट ऑब्जर्वेशन आपकी होनी चाहिए, ऑब्जर्व किया तो डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, स्पीच स्पीच हो, राइट एक्शंस हो, लाइवलीहुड हो, अच्छे से रहो, एक्सरसाइज भी करो, मेमोरी अच्छी हो, मेडिटेशन करो, तो इन आठ पाथों को जो फॉलो करेगा वही आगे जाके निर्वाणा की तरफ जाएगा। एंड निर्वाण इज व्हाट, स्टेट ऑफ पीस एंड ब्लिस, ये सवाल आता है सीधा, स्टेट ऑफ पीस एंड ब्लिस। फिर मध्य मार्ग की बात करते हैं, मध्य मार्ग मतलब बीच का रास्ता, कि भाई ना इधर की एक्सट्रीम ना उधर की एक्सट्रीम, तो ये अपना क्या हो जाता है, मध्य मार्ग, ये अपने को पता ही है सबको। तो जो आप पूछ रहे थे कि व्हाट इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ गौतम बुद्ध, बेस्ट क्वालिटी ये थी जो मुझे लगता है, जो ये मध्य मार्ग की फिलोसफी देखे गए थे। ठीक है, त्रिरत्न इनके बोले जाते हैं, तीन रत्न बुद्धिज्म के, ठीक है, जैनिज्म वाले से कंफ्यूज नहीं करना है, जैनिज्म के त्रिरत्न अलग हैं, इसके तीन अलग हैं। तो ये है बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम एंड संगम शरणम, संघ में ये इकट्ठे रहते थे। तो बुद्धा द एनलाइटेंड, धर्मा जो डॉक्ट्रीन है, ठीक है, और एनलाइटेंड डॉक्ट्रीन, संघ जो इनका संघ है, ये हो गया। अब ये चार जो हैं ये अपन ने कल देख ली थी, राज वैशाली को पटाके कश्मीर लेके गया था, 1 2 3 4, 483, 383, 100 साल बाद, 250, 250 और 100, 100 में से 2 गए तो 98, ऐसे ही ध्यान रख लेना। त्रिपिटिका है जैन के, त्रिपिटिका, ठीक है, वही उसमें, चलो कोई नहीं, आगे देखेंगे, इसमें ज्यादा वाणी करते हैं। आई एम बैक, वेलकम बैक। आशक्ति अनाशक्ति के बीच का मार्ग क्या हो सकता है, ये तो मैं भी देख के ही बताऊंगा। राहुल ऑप्शनल वगैरह तो यार आप ये बाद में डिस्कस करेंगे यार, इसके बाद लास्ट, ठीक है, लास्ट में अगर आप जुड़े रहेंगे तो लास्ट में फिर से मेरे पास सवाल पूछ लेना, वी विल डिस्कस इट। अब देखो पैटर्न्स कौन कौन थे, ये आपका सवाल बनेगा। तो एके अजात शत्रु, काल अशोक, फिर अशोक, फिर कनिष्क, ये अपने चार हो जाएंगे। रिजल्ट क्या रहा, देखो सब में तो फिर ये जो विनय पिटिका, सुत पिटिका, अभिदम पिटिका, जिनको त्रिपिटिका अपन बोलते हैं, तो ये जो तीनों हैं इसमें से बुक्स जो हैं वो फर्स्ट में
और थर्ड में बुक लिखी थी, सेकंड और फोर्थ में डिविजन्स हुए थे। तो पहले में दो बुक लिखी गई, सुत पिटिका विनय पिटिका। तो विनय में रूल्स हैं, विनय को रूल बताने हैं, सुत बुद्ध, बुद्ध की फिलोसफीज है सुत पिटिका में, अभिधम पिटिका में धम धम धर्म, धर्म और रिलीजन के बारे में बात करी गई है अभिधम पिटिका में। तो ये हो गए। फिर यहाँ पे जो डिविजन्स है देखो, हीनयाना महायाना ये डिविजन यहाँ पे शुरू हो गए थे, एक छोटा सा डिविजन यहां से भी शुरू हो चुका था, तो ये आपको ध्यान रखना है। हरिवंदन्स एंड महासंगिका, ये एक छोटा सा डिविजन यहाँ पे था, एंड डिविजन इंटू हीनयानी एंड महायानी, इनके डिफरेंसेस भी अपन देखेंगे। बाकी ये तो देखो, ये बुद्धिस्ट लिटरेचर बुद्धिस्ट जो लिटरेचर है उसमें तीन हो गए आपके, ठीक है। तीन अपने क्या है, त्रिपिटिका में ये तीनों तो हो ही गए। तो इसमें देखो रूल किसको बताने हैं, कोड और रूल्स बताएंगे विनय को। सुत मतलब सुत बुद्ध, बुद्ध की सेइंग फिलोसफी, एंड अभिधम धम मतलब धर्म, धर्म इज रिलीजियस डिस्कोर्सेज जो इसके रहेंगे वो। मिलिंद पन्हो एंड दीप वंशम, ये दोनों ध्यान रखने हैं, और वहां महावंशम। तो मिलिंद पन्हो में मिलिंद थे, उनके बीच में क्वेश्चंस ऑफ मिलिंदा ये पूछ रहे थे कि भाई मतलब क्या क्या है। और एक अपने बुद्धिस्ट संत थे, संत नागसेन, नागसेन और मिलिंद, मिलिंद किसका नाम है, मिएंडर का। मिएंडर कौन थे, इंडो ग्रीक रूलर। अब ये था, ये मिलिंद पन्हो आपका, ठीक है। तो मिलिंद पन्हो हमें ध्यान रखना है। देन दीपवंशा और महावंशा, ये क्रॉनिकल श्रीलंका के हैं ना कि इंडिया के। अब इसमें कुछ संस्कृत के भी थे, नॉर्मली जो आपका ये है ये पाली लिटरेचर में आपका लिखा जा रहा है पाली लैंग्वेज में, बट संस्कृत के भी क्या है, अश्वघोष, पशुमित्र, बुद्ध घोष, नागार्जुन। अब जो दो सेक्ट बने देखो, हिन हिनयान क्या है, लेसर व्हीकल, हिन किसको बोलते हैं, लेस को, और महा मतलब ग्रेटर। बट ग्रेटर वाला कौन है, जो बुद्धिज्म वाले थे वो एक नया अपना लेके आ रहे थे ब्राह्मण से निकलकर, तो इनमें आपस में ही गड़बड़ होने लगी। तो एक जो सेक्शन है वो कहने लगा कि हम दोबारा से ब्राह्मणिज्म की तरफ जाएंगे। तो ब्राह्मणिज्म में क्या है, आप मूर्ति पूजा करते हो, रिचुअल्स करते हैं, तो उस हिसाब से। तो उल्टे दोबारा जो जा रहे हैं वो अपने आप को बोले कि हमारा ही सबसे बेस्ट था, हम ही ग्रेटर व्हील है। तो उन्होंने महायाना में जो अलग अलग गए, तो उन्होंने हेवनली लैस, ग्रेस, आइडल वर्शिप, संस्कृत लेके आगे, जो ब्राह्मण्स की लैंग्वेज है। ये आपके नॉर्थ नॉर्दर्न बुद्धिस्ट रिलीजन बोला जाता है। ये कहाँ का है, चाइना, कोरिया और जापान, जबकि जो नॉर्मल बुद्धिज्म वाली फिलोसॉफी को ही फॉलो कर रहे थे ओरिजिनल टीचिंग्स में, वो आपके हैं लेसर व्हीकल यानी हीनयान। इंडिविजुअल सेल्वेशन, सेल्फ डिसिप्लिन करो, मेडिटेशन करो, आइडल वर्शिप नहीं करेंगे, पाली लैंग्वेज ठीक है। सदर्न साउथ ऑफ इंडिया में जाएगा, और नीचे ही श्रीलंका, बर्मा और थाईलैंड से होता हो, ठीक है। तो ये अपने महायाना और ये हो गए। अब इसमें महायाना के भी दो सेक्ट हैं, मध्यमिका शून्यवाद, शून्यवाद नागार्जुन की थी, और योगाचर विजनवाद, ठीक है, ये मैत्रेयनाथ की थी। तो ये याद रह जाए तो कर लेना सीधा, मध्यमिका ध्यान रखना है वैसे, ठीक है, योगाचर मध्यमिका ये ध्यान रखना। फिर अपना वज्र, वज्र देखो, वज्र क्या है, ये बिल्कुल मतलब अलग अलग मैजिकल पावर से रिलेटेड बात करता था। ईस्ट इंडिया में इसका ज्यादा था, बंगाल में स्पेशली। तो मैजिकल पावर जिसको मिल जाएंगे उनको वज्र बोला जा रहा था। तंत्र, तंत्र तंत्र इन सब से रिलेटेड थे, तो तंत्र विद्या से था, तो इसको बनाया किसने, तारा ने, तंत्र वज्र, ठीक है। तो इससे ध्यान रखना है। अब आगे बोधिसत्व, बोधिसत्व क्या होते थे, वो साथ में रहते थे, अलग अलग इन्होंने बना रखे हैं। जैसे वज्रपाणि, ये थंडरबोल्ट, वज्र वज्र आहार इंद्रा से रिलेटेड है। तो ये अवलोकेटेश्वर, ठीक है, लुक्स, हु लुक्स डाउन, लोक लोकेटेश्वर, लुक डाउन, सबका ध्यान रखता है, सबका साथ सबका विकास। पद्म पाणी, पाणी में लोटस, ठीक है। मंजूश्री, मंजू जो है वो मतलब बुक लेके बैठी हुई है, इसके हाथ में बुक रहती थी, तो मंजूश्री। ये सवाल आया था, मैत्रेय, मैत्रेय क्या है, फ्यूचर बुद्ध, यूपीएससी में सवाल आया था, मैत्रेय इज व्हाट, एनलाइटेंड, ये वो, फ्यूचर बुद्धा को नाम दिया गया था मैत्रेय बुद्ध, ठीक है, मैत्रेय फ्यूचर बुद्ध। एंड देन क्षितिग्रह, ये गार्जियंस होते थे, एंड अमिताभ ये है बुद्धा ऑफ हेवन, ठीक है। तो मैत्रेय याद रखना है, वज्रपाणि याद रखना है, सेक्रेड अमिताभ भी ध्यान रह जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात।
सेक्रेड जो श्राइन्स है इनकी, तो बेसिकली आठ हैं, चार तो जहां जहां ये थे, मतलब कहां कहां, बर्थ कहां हुई, एनलाइटनमेंट, सरमन और डेथ, ये कौन कौन सी है, आपके शरावती या फिर लुम्बिनी, राजगृह, वैशाली, संख्या, ये जो चार प्लेसेस हैं इनको मिला के हम आठ बना देते हैं होली प्लेसेस। ये यहाँ पे घूमने आए थे, इसके आसपास रहे थे, तो इस हिसाब से ठीक है। तो लुम्बिनी जहां पे पैदा हुए, बोध गया जहां पे इनको वो मिला, सारनाथ जहां पे फर्स्ट सरमन दिया, खुशी खुशी कहां मर गए थे, कुशीनगर। ठीक है, अब इनके अलग अलग अपने पास, ये तो देखो जगह कहाँ कहाँ पे, अमरावती, नागार्जुन कोंडा, नालंदा, जूनागढ़, सांची, अजंता एलोरा, कन्नौज, कौशाम्बी, मथुरा। बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर को मेनली तीन फॉर्म जो है, स्तूप, स्तूप जो बनाया जाता है उसमें रेलिक्स रखी रहती है बुद्धिस्ट, बुद्ध की, उसके अलग अलग जो वो है, एनसीईआरटी में बहुत अच्छा डायग्राम है, इतनी डिटेल में यूपीएससी मेंस या फिर हरियाणा मेंस में पूछा जा सकता है, वो आप तैयार कर सकते हैं। तो ये स्तूप है। चैत्य, चैत्य है जहां पे प्रेयर्स करते हैं, विहार जहां घूमते घूमते रुकने का विश्राम करना पड़ता है, तो वो है विहार, विश्राम, तो विश्राम ग्रह विहार। अब अपना अलग अलग जो यूनिवर्सिटीज बनाई गई थी बुद्धिज्म के टाइम पे, किस किस ने बनाई थी, नालंदा बिहार में कुमार गुप्त वन, गुप्ता रूलर, बाकी पल पल रूलर है ठीक है। तो इसमें औदान्तिपुरी, ये भी बिहार में है, गोपाल, गोपाल औदान्तिपुरी, विक्रमशिला, धर्मपाल ठीक है। तो ये धर्मपाल ने दो बनाई थी, विक्रमशिला एंड सोमपुरी, SON, सन, सन ऑफ DGP, DG कुमार, DGP पला, DGP कुमार ठीक है, तो सन ऑफ DGP कुमार, ऐसे ध्यान रख सकते हो, सोमपाल, विक्रमशिला, उदांतिपुरी और नालंदा और धर्मपाल और ऐसे पाल ठीक है। ये हो गया। रॉयल पैटर्न्स में आपके क्या आते हैं, जात शत्रु, काला शोक, अशोक, ये सारे आएंगे। ये नोट क्या ध्यान रखना, ग्रेटेस्ट पैटर्न आपके बुद्धिज्म के थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, यहाँ पे जो है एक मिशन भेजा गया था जिसमें मिएंडर का बेटा और उसकी डॉटर ठीक है, संग्रमेता से, मतलब ये और मिएंडर, ये दोनों के दोनों मिलके कहाँ गए, श्रीलंका गए थे ठीक है, दोनों मिलके श्रीलंका। कनिष्क अपने को एके ठीक है, ये अपने चार हो गए। तो ये फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है, चाइना, कोरिया एंड जापान एंड पला, ये इनके मेन पैटर्न्स हैं। ये अपना हो गया बुद्धिज्म खत्म। अब हम देखते हैं अशोक के बेटा बेटी, हाँ अशोक के बेटा बेटी है, ठीक बात। दिमाग हैवी हो चुका है अभी, सुबह से लगे हुए हैं ठीक है, ये क्लास तो बिल्कुल लास्ट क्लास होती है, उससे पहले कितना वो हो जाता है, तो थोड़ा सा टायर्ड है, कोई नहीं ठीक है। अशोक, अशोक के बेटा बेटी है बिल्कुल ठीक। तो चलो अब हम इसको वाइंड अप करते हैं, एंड जो एक सवाल पूछ रहे थे ऑप्शनल का राहुल, तो आपको अपने हिसाब से ही डिसाइड करना पड़ेगा कि ज्योग्राफी रखना है या एग्रीकल्चर रखना है, स्कोरिंग है दोनों ही, जिसको मैनेज कर सकते हो, जिसको पढ़ सकते हो उसके हिसाब से रखो ठीक है, वही रखना बस। अब कल ठीक है, अब तो कल ही होगा, 1.5 घंटा हो गया यार। चलो ठीक है, स्लीप टाइट, गुड नाइट, स्टे फिट एंड स्लीप टाइट, जय हिंद।